वॉइस आ रही है अभी? लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 139 देखा था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, देन उसका रेजिग्नेशन, रिमूवल वगैरह, और रिपोर्टिंग कुछ रिक्वायरमेंट पड़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, उसी के कंटिन्यूएंस में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी सेक्शन 143(3) हमने शुरू किया हुआ था, उसी के कंटिन्यूएंस में जहाँ से आज की क्लास स्टार्ट होगी। स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नाम से पता चलता है कि कुछ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होगी जो ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करे। तो ऑडिट रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट वेदर ही हैज शाउट एंड ऑब्टेन्ड ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन बेसिस टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव वर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट एंड इफ नॉट डिटेल्स थेरऑफ एट द इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें कुछ बताया कि ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर कुछ बातें लिखनी है ऑडिटर को। पहली चीज ये कि उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन ले ली नहीं है जो भी उसे लगता है जरूरी ऑडिट पर्पस से, और इन केस यदि डिटेल नहीं मिली है तो वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन है जो कि उसने नहीं ली है और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये भी उसको स्टेट करके देना है। इट मीन्स इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन उसे जो मांगी थी एम्प्लॉइज वगैरह से ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इंफॉर्मेशन उसे मिली या नहीं। सेकंड में वेदर ही इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी सो फार एज अपीयर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ दोस बुक्स एंड प्रॉपर रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय हिम। इसमें क्या बोला गया कि क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने मेंटेन किए हैं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से होंगे जो एज पर लॉ आपने रखे होंगे। दूसरा, बाय चांस की ब्रांच उसने विजिट नहीं करी, कंपनी की ब्रांचेस हैं उसने विजिट नहीं करी, लेकिन उससे उसने डॉक्यूमेंट मांगे थे, तो क्या वो सब डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स वगैरह जो थी ऑडिटर को समय समय पर मिल गई, तो ये सब हमें बताना है। उसका रीजन क्या है कि जो ब्रांचेस आपने विजिट नहीं करी तो आपको किसी ना किसी बेस पर उसके ऊपर भी ओपिनियन देना है, क्योंकि ओपिनियन आप अलग अलग नहीं देते, ये नहीं कि ब्रांच के लिए अलग दोगे कंपनी के लिए अलग दोगे, ऐसा नहीं होगा। ओवरऑल आपको ओपिनियन देना होता है कि क्या कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग ब्रांचेस क्या ठीक ठाक है या नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर तरीके से वो मेंटेन किए गए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे गए, और इन केस यदि वो विजिट नहीं करता ब्रांचेस के अंदर, देन इट इज द रिक्वायरमेंट कि वहाँ के जो लोग हैं उसे इंफॉर्मेशन समय समय पर सप्लाई करते हैं ऑडिटर को, और इवन जो ब्रांच ऑडिटर है इन केस यदि कंपनी ऑडिटर डिफरेंट है और ब्रांच ऑडिटर डिफरेंट है, तो ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो जो भी ऑडिट रिपोर्ट से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो कंपनी ऑडिटर को टाइमली बेसिस पे सेंड करे। थर्ड, जो ऑडिटर रिपोर्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके अंदर ये चीज इंक्लूड करनी है, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट हैव बीन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 इन केस ब्रांच ऑडिटर इज डिफरेंट है, उस ऑडिट रिपोर्ट आगे दी नहीं आ गई थी, एंड द मैनर इन विच ही हैज डॉट विद इट इन प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट। इसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट आई है या नहीं है, और आ गई है तो उसने किस तरीके से उसको डील किया अपनी रिपोर्ट के अंदर, कि क्या उसने वही ओपिनियन दिया है जो ऑडिटर रिपोर्ट में ब्रांच के ऑडिटर ने अपना ओपिनियन दिया है ऑडिट रिपोर्ट में, इन केस यदि डिफरेंट है तो वो उसको बता दे अपनी रिपोर्ट के अंदर कंपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि ब्रांच थी उस वहां पर जो ओपिनियन दिया गया था ब्रांच के ऑडिटर से, तो वो ओवरऑल बेसिस पे मेरा डिफरेंट ओपिनियन है, तो वो साफ साफ क्लियरली स्टेट कर दे। डी पॉइंट, वेदर द कंपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डॉट विद इन द रिपोर्ट आर इन विद एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न। बड़ा इंटरेस्टिंग केस में क्या होता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होते हैं
वो कुछ और दिखाते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ और दिखाते हैं। इट मीन्स कि एंट्री है क्या पास की गई है, सब्सिडरी बुक्स कैसे मेंटेन की गई है, वहां क्या बैलेंसेस निकल के आ रहे हैं लेजर में, और आप जब बैलेंस शीट और पीएनएल को जब रीड आउट करते हो तो वहां कुछ और फिगर है। तो जनरली ये तभी होता है जब विंडो ड्रेसिंग होती है। तो ये ऑडिटर को देखना है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये इंक्लूड करना है कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैचिंग है या नहीं है, यानी सब्सिडरी बुक्स मैचिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या नहीं, ये बता। वेदर इन हिज ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्प्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये तो सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उसको जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल AS3 है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर जिन जिन के लिए एप्लीकेबल है क्या उससे कंप्लाई किया, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को पूछो आप जाकर कि आपको कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, उसके बाद तो देखो कि क्या उसने वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनी फॉर्म में लगाए हैं अकाउंट्स में आते समय या नहीं लगाए। और लास्ट द ऑब्जर्वेशन कमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड द मैटर्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, क्या बताया गया इसमें, द ऑब्जर्वेशन कमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड मैटर, वो कहता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकती है ऑडिटर की, कमेंट हो सकते हैं, तो क्या उन ऑब्जर्वेशन और कमेंट को उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया है, और ये ऑब्जर्वेशन और जो कमेंट होते हैं यदि एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं, एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं कंपनी को, इट मीन्स कि कंपनी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपने कोई कमेंट दिया और वो ऐसी बात पे दिया है कि कंपनी को वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, तो उसको जरूरी है ऑडिटर को भी वो अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल करे। तो ये कुछ ड्यूटीज है स्पेसिफिक जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में स्पेसिफाइड है। फिर आता है नेक्स्ट जी, उसी के कंटिन्यूस में, वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, तो जहां भी डायरेक्टर होते हैं वो क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का एक बकायदा आपके लॉ के अंदर एक टॉपिक है, तो उसके अंदर देखना होता है कि क्या हमारे जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालिफाइड तो नहीं, इज डायरेक्टर क्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड, एच पॉइंट के अंदर एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर कनेक्टेड देयर, इसके अंदर है कि बाय चांस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन दी है, रिजर्वेशन है, एडवर्स रिमार्क है, तो जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड है एडवर्स रिमार्क, तो आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर बताना है कि कौन सी क्वालिफिकेशन है वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी है, रिजर्वेशन वगैरह जो भी है आपको रिपोर्ट में लिखना है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि रिमार्क इज नॉट ए क्वालिफिकेशन, जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि रिमार्क क्वालिफिकेशन होती तो वो उसको अलग से हमें नहीं पढ़ना होता, रिमार्क में जस्ट एक चीज के ऊपर स्ट्रेस का। आई पॉइंट के अंदर क्या दिया हुआ, वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस, क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, देखो इंटरनल कंट्रोल बहुत सारे होते हैं लेकिन एज ए ऑडिटर वो किससे कंसर्न मेनली होगा, वो फाइनेंशियल कंट्रोल से मेनली होगा कि जो एंट्रीज पास हो रही है वो सही से पास हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाए, प्रिंसिपल गलत अप्लाई हो जाए, तो जो कुछ कंट्रोल भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रखे हैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टॉप करने के लिए, तो वो जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो लगाए हुए हैं क्या वो रियली में वहां पर इन प्लेस है या नहीं, रियली में उनको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है नहीं करती, तो वो इन प्लेस होना चाहिए, ऑपरेटिंग अफेक्टिवली होनी चाहिए। जे पॉइंट सच अदर मैटर, कुछ और भी मैटर है रूल 11 में वो अदर मैटर लिखे हुए, अदर मैटर हमेशा सेफ क्लॉज होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इन केस यदि कुछ लॉ बनाते समय कोई चीज छूट जाए तो उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि जो कंपनीज एक्ट है वो सेक्शन बेस्ड एक्ट है, तो ये सेक्शन के अंदर क्या है इतना ही लिखा हुआ था कि सच अदर मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड, ये इतना ही लिखा था इस सेक्शन में, बट अदर मैटर को जो अदर मैटर की जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है तो उसको यूज करते हुए उन्होंने रूल 11 इंट्रोड्यूस किया और उसके अंदर अदर मैटर को स्पेसिफाइड कर दिया, ये तीन अदर मैटर है जो आपको अपनी ऑर्डर रिपोर्ट के अंदर लिखना होगा, तो रूल 11 प्रिस्क्राइब द ऑर्डर रिपोर्ट शैल आल्सो इंक्लूड देयर व्यूज एंड कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग मैटर नेमली, कुछ और मैटर है जो आपको ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है जो आई तक थे वो तो इंक्लूड करेंगे करेंगे, इनको भी इंक्लूड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वेदर ए कंपनी वेदर
whether the company has disclosed the impact, if any, of pending litigation on the financial position in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या उसने जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है, बाई चांस कोई केस चल रहा है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पेंडिंग लिटिगेशन हो सकता है कि वो इतना बड़ा हो, एक अच्छे खासे अमाउंट का हो जो कि कंपनी को फाइनेंशियली इम्पैक्ट करता हो. तो इट्स बेटर कि जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है सबकी लिस्ट ऑडिटर आपने रिपोर्ट whether the company has made provision as required under any law or accounting standard for material foreseeable losses, if any, on long-term contract including derivative contracts. अब इसमें क्या बताया गया? मान लेते हैं कि कोई आपको भविष्य में लॉस होने की उम्मीद है. अब लॉस होने की उम्मीद है तो लॉ में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि आपको प्रोविजन बना, ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी में जाकर पूछे पहले तो कि कंपनी हैज मेड ए प्रोविजन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस, कि जो भी आपको ह्यूज लॉसेस हुए हैं, जो अच्छे खासे लॉसेस जो भविष्य में होने वाले हैं, यहाँ पे फोर्सिबल लॉसेस की बात है जो हो चुके हैं उसकी नहीं, भविष्य के लॉसेस. फिर आपको लगता है कि कुछ लॉसेज होने वाले हैं लेकिन किस चीज पे? जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि डेरिवेटिव. अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आई एम नॉट अवेयर कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, बट इसमें क्या होता है, एक अंडरलाइंग असेट्स होती है और उसी के ऊपर वो डीलिंग होती है. अंडरलाइंग असेट का फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने अपने आपको लॉसेस से सेव करने के लिए, तो वो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो जो आपने किया है बाई चांस आपको लग रहा है कि उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको नुकसान होने वाला है, तो क्या उसका प्रोविजन आपने बनाया है या नहीं बनाया, ये देखना पड़ता है. और यदि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव वगैरह के जो डिटेल्स हैं आपको वो भी देखनी है, यूट्यूब वगैरह पर आप देख सकते हो. बट फॉर द टाइम बिंग मैं इतना बता दूँ कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसका आउटकम फ्यूचर में डिसाइड होता है. तो कई बार क्या होता है कि उसमें मान लेते हैं लॉसेज होने की उम्मीद, तो आप उसका प्रोविजन आज ही, तो ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि जितने भी लॉन्ग टर्म जो कि फ्यूचर पे रिलाइज हो गए तो उससे रिलेटेड यदि पॉसिबल लॉसेस होने वाले हैं तो वो प्रोविजन क्या कंपनी ने बनाया है या नहीं बनाया उसको चेक करना पड़ेगा. फिर आपके पास आता है अगला, वेदर देयर हैज बीन एनी डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बाय द कंपनी. बड़ा सिंपल है. इसमें क्या है कि क्या होता है कि एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड होता है जिसको हम पढ़ेंगे और शायद पढ़ भी चुके हो, आप नॉट अवेयर कि आप लोग जानते नहीं. होता क्या है कि बाई चांस आपने डिविडेंड पे नहीं किया, कंपनी थी, कंपनी ने डिविडेंड पे किया बट उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं था. जैसे होता है ना कि रिसीव करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट एक अकाउंट खोलती है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. नाम से क्या पता चलता है, इन्वेस्टर की एजुकेशन और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फंड है. जैसे आपने कई बार देखा होगा टीवी के अंदर या आप जो भी सीरियल्स वगैरह देखते हो तो बीच में ऐड आती है, और उस ऐड के अंदर कई बार ये आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐड होती है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सी द प्रोस्पेक्टस बिफोर परचेजिंग एनी म्यूचुअल फंड. तो इस तरीके की ऐड आती है, तो वो जो गवर्नमेंट खर्चा करती है ऐसे एडवर्टाइजमेंट कि आप सतर्क रहें, कोई भी अननेसेसरी जहाँ पर भी अननेसेसरी हाई क्लेम देता है पर्सन कि नहीं जी हम आपको 20% इंटरेस्ट देंगे फलाना देंगे तो साफ है, तो ये सारी एजुकेशन जो भी खर्चा होता है ये किसी फंड से किया जाता है. गवर्नमेंट जो खर्चा करती है ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह का है या जो इन्वेस्टर को एजुकेट करने वाला होता है तो यहीं से पैसा आता है. और इसमें पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि तो वो आउटफ्लो की बात, तो इनफ्लो कहाँ से होता है? इसमें इनफ्लो के भी सोर्सेज है जिसमें जैसे डिविडेंड नहीं दिया, अनक्लेम डिविडेंड है, तो इस तरीके का पैसा इसमें आता है. इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बस समझाना था हल्का सा. तो ये सारे हैं स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. अब आते हैं अगला, ऑडिट ऑफ ब्रांचेस. ये ऑलरेडी हमने पहले कवर किया हुआ, तो इसके अंदर कोई खास चीज नहीं, ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ. अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस ऑफ ए कंपनी शैल बी ऑडिटेड बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग. इसमें कहता है कि जो ब्रांच ऑडिटर, ये नई बात है जो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, कि जो ब्रांच के ऑडिट होता है वो कौन कौन लोग करते हैं. या तो कंपनी का ऑडिट, मान लेते हैं कंपनी है और उसके तीन ब्रांचेस, तो
जो कंपनी के ऑडिटर है वही जाके तीनों ब्रांचेस का ऑडिट कर ले, तो या तो वो कर सकता है कंपनी का ही ऑडिटर, ब्रांच का भी ऑडिट कर ले, उसका कौन कर सकता है? एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अंडर दिस एक्ट या कोई और पर्सन जो कि क्वालिफाइड है किसी भी कंपनी के ऑडिट करने के लिए, तो उसको लगा दो। यानी सिंपल सी बात है, कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लगा दो, यानी एक सीए लगा दो जो कंपनी का सीए है वही सारी ब्रांचेस का ऑडिट कर ले। सेकेंड, कोई और सीए लगा दो अदर देन द कंपनी जो ऑडिटर है। और थर्ड है, इन केस ऑफ फॉरन ब्रांचेस इधर द कंपनी ऑडिटर, या तो कंपनी ऑडिटर ही कर ले, फॉरन की ब्रांच है विदेश में हमारी ब्रांच है तो या तो कंपनी का ऑडिटर ही उसका ऑडिट कर ले, या वहां की क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो पर्सन ऑडिट कर सकता हो उसको लगा दो। तो ये लिखा है, इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांच ऑफिस इधर द कंपनी ऑडिटर और बाय द पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर द फॉरेन लॉज टू एक्ट एज ए ऑडिटर, यानी बाकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो जो चार्टर्ड फॉर एग्जांपल इसमें ऐसी बात करो, मान लेते हैं एक इंडिया में एक कंपनी है, उसकी यूएसए में एक ब्रांच है। अब यूएसए में यदि ब्रांच है तो मान लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड को उन्होंने अपॉइंट किया है, एक्स वाई जेड को अपॉइंट किया है कंपनी ने अपना ऑडिटर, या तो एक्स वाई जेड से ही करा ले, या दूसरा वो जो फॉरन यूएसए में ब्रांच है उसका ऑडिट कैसे कराएंगे? फॉरन लॉ के हिसाब से जो क्वालिफाइड पर्सन है, अब हमें यूएस लॉस को देखना पड़ेगा, यूएस लॉस की क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहां का जो क्वालिफाइड पर्सन होता है उसका नाम होता है सीपीए, सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है या तो वहां की क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो कर ले, या फिर जो कंपनी का ऑर्डर एक्स वाई जेड था वो कर ले, तो ये फॉरन ब्रांच के लिए, बाकी तो इंडियन ब्रांचेस के लिए बात ही है। कौन से 3% निकल गया है, या तो कंपनी का ऑडिटर ही ब्रांच का ऑडिट कर दे, या कंपनी का ऑडिटर नहीं करता तो कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट कर दे, इन केस हमारी फॉरेन में ब्रांच है तो कंपनी का ऑडिटर कर दे, ये वहां की क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो अलाउड है ऑडिट करने के लिए वो पर्सन कर दे। प्रोवाइडेड दैट द ब्रांच ऑडिटर शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम एंड सेंड इट टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हु शैल डील विद इट इन हिज रिपोर्ट इन सच मैनर एज ही कंसिडर्ड नेसेसरी। इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि जो ब्रांच ऑडिटर है वो रिपोर्ट बनाएगा बाई चांस अदर देन कंपनी ऑडिटर ने रिपोर्ट बुक की है, जैसे पहले था कंपनी ऑडिटर ही ब्रांच की ऑडिट करे, बाई चांस कंपनी का ऑडिटर ब्रांच का ऑडिटर नहीं है, चाहे वो फॉरन ब्रांच है चाहे इंडियन ब्रांच है, मतलब अदर देन कंपनी ऑडिटर ने यदि रिपोर्ट बनाई है तो ऑडिटर जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि एक कॉपी फॉरवर्ड और ये कंपनी का ऑडिटर को वो भेजे, और कंपनी का ऑडिटर जैसे डील करना चाहेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर वो डील करेगा। फॉर एग्जांपल उसने एडवर्स कमेंट दिया ब्रांच वाले ने, जरूरी नहीं है कि कंपनी ऑडिटर भी ओवरऑल एडवर्स कमेंट दे, तो ये पॉइंट हम कर चुके हैं, ऊपर वाला हमने नहीं देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लायंस विद अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ता है उसी तरीके ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है उससे वो कंप्लाई करे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसए। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस होता है, एएस का जस्ट उल्टा है एसए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो एवरी ऑडिटर शुड कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एसए एज रिकमेंडेड बाय आईसीआई इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए। तो जो आईसीआई है एनएफआरए से कंसल्ट करने के बाद जो भी एसए इशू करेगी उसको सीजी अलाउ कर सकती है कि नहीं आप सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं हमेशा दिमाग में बिठा लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ये कोई इंस्टीट्यूट इशू नहीं करता, दिमाग में बैठा लें। क्योंकि कई लोगों से पूछते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, आप बोलो तो बोलते हैं आईसीए। नहीं, आईसीए मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब है ऐसे एज रिकमेंडेड बाय आईसीआई, आईसीआई रिकमेंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करे ना भी करे वो उसकी मर्जी है, जनरली वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आईसीआई होती है उसे वो डिफरेंट व्यू देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। 99.999% जो आईसीआई ने बोला वही सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देती है। तो आईसीआई ये इशू करने से पहले गवर्नमेंट की एजेंसी है तो उससे ये कंसल्ट कर कर तब
तब इशू करते हैं। तो दिमाग में बैठा लें ये बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर पर पास पावर होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने की और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करने की। हाँ, ये किसी एजेंसी की सहायता लेती है, वो है इशू आईसीआई, और आईसीआई किससे किससे कंसल्ट करती है, एनआरआई के पास। टिल एनी एसए आर नोटिफाइड आईसीआई एसए टू बी फॉलोड, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग से ऐसे नोटिफाई ना करे तो जो आईसीआई बोलेगा वही। प्रैक्टिकली देखो वो जो आईसीआई बोलता है वही ऐसे बनेगा, बट जो सुप्रीम पावर है इसको इश्यू करने की वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आते हैं ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी की बात कर ले थोड़ी सी, शायद हमने की हुई है। जैसे ही गवर्नमेंट कंपनी का नाम आता है हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है, सीएजी क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सीएजी शैल अपॉइंट, यहाँ पे हमेशा सीएजी का रोल आएगा जब भी गवर्नमेंट कंपनी आई, तो सीएजी शैल अपॉइंट द ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 एंड डायरेक्ट सच ऑडिटर द मैनर इन व्हिच द अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। इसमें क्या समझा गया, इसमें ये समझाया गया कि सीएजी सुप्रीम अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करवाना है तो सेक्टर और वो कराना है स्टेट्यूटरी ऑडिट जो सेक्शन 139 में होता है, तो उसके लिए वो अपॉइंट करेगी सीएजी। सीएजी कैसे अपॉइंट करती है, सीएजी इंपैनलमेंट कराती है अपने अलग अलग ऑडिटर का, वो अपना नाम देते हैं, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल देते हैं, सब चीजें डिटेल प्रोवाइड करते हैं, फिर सीएजी उन इंपैनलमेंट हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट में से किसी पर्सन को चूज करके या किसी फर्म को चूज कर कर वो उसका अपॉइंटमेंट करते हैं, और फिर उसे ये भी बताते हैं जिसको अपॉइंट करते हैं कि तुझे कैसे जानना है, मैनर इन विच अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, तुम ऑडिट कैसे करोगे। अभी तक तुमने पहली बार सुना होगा कि वैसे कंपनी के अंदर जो है कोई भी डायरेक्शन नहीं दी जाती, कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता कंपनी का ऑडिट, ऑडिटर को जैसे ऑडिट करना है वो करेगा। लेकिन कमाल की चीज इसके अंदर ये है कि सीएजी ये भी बताएगी कि वो तरीका क्या होगा जैसे वो ऑडिट, मैंने ऑडिट की गाइडेंस पूरी देखी सी। इवन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो रिपोर्टिंग की भी गाइडेंस है कि कैसे रिपोर्ट करना है। द ऑडिटर शैल सबमिट ए कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू द सी। तो ऑडिटर ऑडिट करने के बाद क्या करेगा, अपनी कॉपी ऑडिट रिपोर्ट की सी को देगा। वी शैल इंक्लूड द डायरेक्शन इफ एनी इशूड बाय द सी, द एक्शन टेकन देयर ऑन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। क्या बोला इसमें कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, उसकी एक कॉपी सीएजी को देगा, उसके अंदर ये बातें लिखेगा उस रिपोर्ट के अंदर। तो रिपोर्ट के अंदर पहली चीज ये लिखेगा कि जी आपने ये डायरेक्शन इशू करी थी, सीएजी ने कौन सी डायरेक्शन इशू करी वो बताएगा, और उन डायरेक्शन के साथ मैंने ऐसे ऐसे काम किए, मतलब उनको कितना फॉलो किया है मैंने उन डायरेक्शन को, और उन डायरेक्शन को फॉलो करते हुए मैंने कौन कौन सी चीजें देखी अकाउंट्स के अंदर जो कि अफेक्ट होती हैं या जहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है उनको वो रिपोर्ट करेगा। कमाल की चीज इसमें ये थी सीएजी ऑडिट में, सीएजी ही बता रहा है तुझे ऑडिट कैसे करना, ऑडिटर को गाइड कर रहा है पूरा कि तुझे ऐसे ऑडिट करना है, और ऑडिट करने के बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना रहा है जिसमें लिख रहा है सर आपने सीएजी आपने डायरेक्शन दी थी, मैंने इनके ऊपर ये एक्शन लिया, ये फॉलो किया और उसका ये इम्पैक्ट है। तो ये तीनों चीजें ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख के बता और रिपोर्ट सबमिट। CAG shall within 60 days from the date of receipt of the audit report have a right to CAG within 60 days from the date of receipt of audit report. ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दे दी, अब उसके 60 दिन के अंदर, अब यहाँ पे विदिन 60 डेज क्या मतलब क्या हुआ, यहाँ से 60 दिन वहां से शुरू होंगे जहाँ पे डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आज मैंने सबमिट करी तो अब 60, तो 60 डेज सीएजी के पास एक कुछ राइट मिलते हैं। पहला राइट ये टू कंडक्ट ए सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ऑडिट क्या चीज होती है साहब, सप्लीमेंट्री ऑडिट ये होता है कि जो कह गए सीएजी, मान लेते हैं उन्होंने एक एक्स वाई जेड एक फर्म है उसको अपॉइंट कर दिया, एक्स वाई जेड एंड कंपनी को अपॉइंट कर दिया ऑडिट करने के लिए, जब ऑडिट रिपोर्ट आई तो 60 दिन के अंदर ऑडिटर जो सीएजी है उसके पास एक पावर है राइट दिया हुआ, वो चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकते। सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब ये होता है कि जब उसे डाउट है बाई चांस ऑडिटर का ऑडिट हो चुका है ऑलरेडी, एक जिसको अपॉइंट किया था एक्स वाई जेड को उसने ऑडिट करके रिपोर्ट सबमिट कर दी है सीएजी, अब सीएजी को डाउट होता है कि वो हो मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्री ऑडिट करा लेना चाहिए, सप्लीमेंट्री मीन्स वो आइटम्स को चेक करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर की आइटम्स को चेक करेंगे, 100% ये जनरल चेकिंग नहीं करते, टेस्ट बेसिस पे चेकिंग करते, और कौन करेगा,
क्या ये नए पर्सन को अपॉइंट करेंगे? सीएजी ने ऑलरेडी एक पर्सन एक्स वाई जेड को अपॉइंट करा था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म थी उसको अपॉइंट करा था। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि क्या सीएजी जब सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा तो खुद करेगा, सीएजी अपने स्टाफ से कराएगा? वॉइस मेरी क्लियर है? अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि क्लियर नहीं आ रही? इज वॉइस ऑडिबल? ठीक है जी, थैंक यू। सिद्धार्थ जैन कहते हैं यस, वरुण जी कहते हैं यस, थैंक यू। दानिश कहते हैं थोड़ा तेज बोलिए, कोशिश करते। अब जो हम बात कर रहे थे उसमें सीएजी, ओवरऑल मैं रिपीट कर देता हूँ उस टॉपिक को। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, इसमें ड्यूटी क्या बनती है? पहली, सीएजी शैल अपॉइंट सेक्शन 139 डायरेक्ट सच ऑडिटर द मैनर, शॉर्टकट में बता देता हूँ। जब भी एक गवर्नमेंट कंपनी होगी तो सीएजी क्या करेगी, उसके अपने इम्पैनलमेंट होते हैं सीएजी के, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स का, उनमें से किसी पर्सन को चूज करेगी या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को चूज करेगी और उसको अपॉइंट करेगी एज ए ऑडिटर। फिर ऑडिटर को कहा जाएगा कि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करें सीएजी, वो अपनी रिपोर्ट लेके आएगा। रिपोर्ट लेके आएगा, उस रिपोर्ट के अंदर वो ऑडिटर ये लिखेगा कि सीएजी आपने ये मुझे डायरेक्शन दी थी, इसके ऊपर मैंने ये एक्शन लिया और इसका ये इम्पैक्ट है, ये ऑडिटर को देगा। फिर सीएजी जब रिपोर्ट सबमिट कर दी तो उसके 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर सीएजी के पास कुछ राइट बनते हैं। पहला राइट बनता है टू कंडक्ट ए सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब होता है कि जो ऑडिट होने के बाद भी ऑडिट हो रहा है। क्वेश्चन इज दैट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट्री ऑडिट के अंदर आप मुझे बताइए कि ये सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या सीएजी करेगी या सीएजी की इम्पैनलमेंट में से कोई और पर्सन करेंगे, जैसे एक्स वाई जेड थे पहले तो एबीसी करेंगे या सीएजी खुद करेगी सप्लीमेंट्री ऑडिट, ये मेरा क्वेश्चन। एबीसी करेगी, मतलब अगर अवरुण कहता है कि कोई और फर्म करेगी, और कोई रिप्लाई देगा? तो ये कहता है क्या करेगी, हर्षिता कहती है क्या करेगी, बिल्कुल ठीक, हर्षिता के साथ हूँ। तो हर्षिता यू आर करेक्ट, ये जो क्या करेगी, ये अब नए पर्सन को अपॉइंट नहीं करेंगे, ऑलरेडी एक्स वाई जेड ने कर दिया है, उन्हें शक हो रहा है तो वो खुद करेंगे। और उस ये जो सप्लीमेंट्री ऑडिट है, ये मान लीजिए टेस्ट बेसिस पे इनकम और एक्सपेंडिचर चेक करेंगे। तो कंडक्ट ए सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी बाय सच पर्सन एज मे बी ऑथराइज्ड टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन इन सच फॉर्म एज सीएजी में डायरेक्ट। तो इसमें सीएजी डायरेक्शन देगी। वैसे देखो जनरली क्या होता है, ये प्रैक्टिकल बात थी, ये सीएजी खुद करती है, लेकिन यदि आप इसकी प्लेन लैंग्वेज पढ़ोगे ना, इसमें ऐसा भी लगता है कि ये शायद अपॉइंट कर सकते हैं सेकंड पर्सन, यदि इसके प्लेन रीडिंग आप लगाएंगे तो इसमें ये भी लगता है, वरना जो मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ जो मैंने बोली, 99.99% सीएजी खुद करती है, शायद ये कराते भी हो किसी और से, बट प्रैक्टिकली जो ये करते हैं ये खुद करते हैं। जो सप्लीमेंट्री ऑडिट होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक ऑडिट हुआ, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं जी यहाँ पर तो बहुत कुछ गलत चल रहा है, तो वो खुद एक बार ही देखते हैं चीजों को अपने ही स्टाफ के थ्रू, अपने ही ऑफिस में से कुछ लोग ऑफिसर्स को अपॉइंट कर देते हैं और कहते हैं जाओ तुम चेक करके आओ। फिर है बी पॉइंट, कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट। तो ये क्या करेंगे कि जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक एक्स वाई जेड ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, तो सीएजी चाहे तो कमेंट भी कर सकता है उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। अब एक सेफ क्लॉज है, प्रोवाइडेड दैट एनी कमेंट गिवन बाय द सीएजी अपॉन और सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सेंट बाय द कंपनी टू एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें सिंपल सी बात ये लिखी है कि सीएजी ने चाहे कमेंट किया है या सप्लीमेंट्री ऑडिट किया तो उसका जो भी आउटकम है, जो भी रिजल्ट है, वो कंपनी की ड्यूटी बनती है कि उसकी उन कमेंट और सप्लीमेंट्री ऑडिट के रिजल्ट की जो रिजल्ट आया तो उसके बारे में सभी पर्सन को सर्कुलेट किया जाए जिनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी जाती है। और मतलब कहने का मकसद हुआ कि जो भी कंपनी के मेंबर हैं वो अवेयर हो जाए कि ये कमेंट आए हैं सीजी, बाई चांस किसी ने गवर्नमेंट कंपनी के शेयर ले रखे हैं
वो अवेयर हो जाए कि ये सीजी ने कमेंट किया इस कंपनी एंड टू बी प्लेस्ड आल्सो प्लेस्ड बिफोर द एजीएम एट द सेम टाइम इन द सेम मैनर एज द ऑडिट रिपोर्ट। ये नॉर्मल बात है, बस इंपॉर्टेंट बात इज दैट कि कमेंट और सप्लीमेंट्री जो भी चीजें हुई हैं उसके बारे में जिस भी पर्सन को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलती है वो अवेयर करा, ये इसका मतलब। लास्ट पैराग्राफ, द सीएजी मे इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और द गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल्ड कंपनी इफ ही कंसिडर नेसेसरी, इफ ही कंसिडर नेसेसरी, इफ ही कंसिडर नेसेसरी, एक सेकंड मैं ये माइक चेक करता हूँ, एक बार मेरा बात से। अभी मेरी वॉइस बताना है, अभी आ रही है या नहीं आ रही? ओके ठीक है, तो क्लियर है तो ठीक है। हो सकता है ये माइक में मैंने वो ऑन नहीं किया था, तो शायद उस समय वॉइस इसलिए नहीं आ रही थी मे बी। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए, मैं कहाँ पर हूँ? लास्ट पैराग्राफ, द सी ए जी में इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल्ड कंपनी इफ ही कंसिडर्ड नेसेसरी, इफ ही कंसिडर नेसेसरी बाय एन ऑर्डर कॉज टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी एंड द प्रोविजन ऑफ कैग ड्यूटीज पावर एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 शैल अप्लाई टू ऑडिट रिपोर्ट। इसमें सीधी सी बात ये लिखी है कि जो गवर्नमेंट जो सी ए जी है बाई चांस गवर्नमेंट कंपनी का टेस्ट ऑडिट करा रहे हैं, टेस्ट ऑडिट मतलब सप्लीमेंट्री ऑडिट ये सब करा रहे हैं, तो उनको इन रूल्स के हिसाब से करना पड़ेगा। कैग ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 के हिसाब से करना पड़ेगा। इट मीन्स कि टेस्ट ऑडिट कैसे होगा, मतलब सप्लीमेंट्री ऑडिट कैसे होगा, वो इस रूल्स में लिखा हुआ कैसे होगा, तो जैसे लिखा होगा वैसे कर लेंगे। तो क्रक्स क्या निकला इस पूरे में जो हमने पढ़ा, इसमें क्रक्स ये निकला, क्योंकि वॉइस का इशू था तो इसलिए इसको हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ बस, कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट कंपनी होगी कैग ऑडिट करेगी, वही डायरेक्शन देगी कैसे ऑडिट करना, ऑडिटर को ये उसने डायरेक्शन फॉलो करी है नहीं करी अपनी रिपोर्ट में ये बात शामिल करेगा। जो कैग है जिस दिन उसको ऑडिट रिपोर्ट मिलती है तो कैग उसके ऊपर 60 डेज के अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकता है और कमेंट भी कर सकता है, और वो चाहे कमेंट करता है या सप्लीमेंट्री ऑडिट कराता है, इन दोनों केस के अंदर वो ये कमेंट और सप्लीमेंट्री ऑडिट का जो आउटकम है ये सर्कुलेट करना पड़ता है। कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो कमेंट और सप्लीमेंट्री जो भी हुआ है उसकी कॉपी जिसको भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मिलती है उसको ये पास ऑन कर दे इन्फॉर्मेशन, और कैग जो होगा जब भी सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा टेस्ट ऑडिट करेगा तो ये डायरेक्शंस कैसे काम करना है ये लिखा हुआ है कैग ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 के अंदर ये लिखा है, आपको उनको फॉलो करना है। इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट। अब आते हैं पनिशमेंट की बात। पनिशमेंट बताने से पहले दिमाग में एक चीज़ बैठा लें कि पहले क्या था कि जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें पेनल्टी बहुत कम थी, बहुत कम पेनल्टी थी, और बहुत कम पेनल्टी होने की वजह से लोग डरते नहीं थे इतना। अब जो कंपनीज एक्ट 2013 आया उसके अंदर पेनल्टी वेरी सीवियर, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट की है। कई बार तो ऐसा होता है कि फीस इतनी नहीं मिलती ऑडिटर को जितनी पेनल्टी लग जाती है, तो एवरीबडी इज कॉन्शियस आज की डेट पे कि गड़बड़ ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा। तो इसमें अब पढ़ते हैं पनिशमेंट के बारे में इस बैकग्राउंड के साथ कि इफ सेक्शन 139 टू 146 बोथ इंक्लूसिव इस कॉन्ट्रावेंट, ये कहता है कि 139 से लेकर 146 तक जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें यदि कॉन्ट्रावेंशन होता है तो क्या होगा, मतलब आप फॉलो नहीं करते, अपॉइंटमेंट सही से नहीं कराते वगैरह वगैरह वगैरह, रेजिग्नेशन प्रॉपर नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसमें को पेनल्टी लगेंगे। जरा इसको दो पार्ट में आप पढ़ोगे, एक तो कंपनी के कंपनी को पेनल्टी क्या लगेगी, उसके ऑफिसर को क्या लगेगी, ये हुआ एक नंबर वन, और एक होता है ऑडिटर को क्या पेनल्टी लगेंगे, क्योंकि देखो गलती तो दोनों की है, कंपनी की भी कंपनी के ऑफिसर की भी, ये हो गया एक पार्ट में जो कंपनी से रिलेटेड है और एक ऑडिटर की गलती। अब कंपनी को क्या होगा, उसके ऊपर फाइन लगेगा 25,000 से 5 लाख तक का। आप ईमानदारी से देखो, इन केस यदि किसी कंपनी में 5 लाख का फाइन लग जाता है तो अच्छा खासा अमाउंट है, पहले बहुत कम था। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, जहां पे ऑफिसर की गलती होगी,
जिनके बिहाफ पे जिनकी ड्यूटी बनती थी, ये ऑफिसर कौन से होते हैं जिनकी ड्यूटी बनती थी उस लॉ को फॉलो करना, और इन्होंने नहीं किया, तो इनके ऊपर क्या होगा? फाइन लगेगा 10,000 to 1 lakh, और दोनों भी लग सकते हैं, और इनको इम्प्रिजनमेंट भी होगी 1 year की। कंपनी केस में इम्प्रिजनमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी को जेल में बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑफिसर को तो हम जेल कर सकते हैं, तो उसको सजा मिलेगी इम्प्रिजनमेंट की 1 year की, up to 1 year, इतना ध्यान रखना। और फाइन जो है 10,000 से लेकर 1 lakh तक हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, मतलब आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। आगे देखते हैं, यदि ऑडिटर गलती करता है, ये तो रही कंपनी की बात, यदि ऑडिटर गलती करता है बाई चांस, जो ऑडिटर से रिलेटेड सेक्शन है उन्हीं की बात है, 139, 143, 144, 145, तो इन केस के अंदर यदि ऑडिटर कॉन्ट्रावेंट करता है तो उसको 25,000 से 5 lakh रुपए तक का फाइन लग सकता है। अब बाई चांस किसी ऑडिटर को फीस मिली है 50,000 और फाइन लग गया 5 lakh का, क्या होगा? तो इसलिए ऑडिटर अब इस समय कॉन्शियस है, पहले अमाउंट काफी कम थे। प्रोवाइडेड दैट इफ एन ऑडिटर हैज कॉन्ट्रावेंट सच प्रोविजन नोइंगली और विलफुली, जरा कमाल की चीज देखो, ऊपर तो था कि आपने जानबूझ के कोई गलती नहीं करी, तो आपकी पेनल्टी कितनी? 25 to 5 lakh। अब इसमें बोला जा रहा है कि ऑडिटर ने जानबूझकर नोइंगली विलफुली विद द इंटेंशन टू डिसीव, और जानबूझकर क्या इंटेंशन थी? कंपनी को धोखा देना, शेयर होल्डर को धोखा देना, क्रेडिटर को धोखा देना, टैक्स अथॉरिटी को धोखा देना, इनमें से कुछ भी, तो नोइंगली और विलफुली यदि वो ऐसा काम करते हैं, धोखा देते हैं, तो उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट 1 year की है। लेकिन फाइल को देखो, सीधे 25 से बढ़ाकर 1 lakh कर दिया और 5 lakh से बढ़ाकर 25 कर दिया, तो बाई चांस कोई जानबूझ के गलती कर रहा होगा, तो 25 lakh की यदि उसके ऊपर पेनल्टी लग गई तो क्या होगा? तो मतलब ये जो पैनल प्रोविजन है ये आपको गाइड करने के लिए है कि जब आप ऑडिट करने जाएं तो इन बातों का ध्यान में रखें कि हम कोई गलत काम ना करें। फिर आगे चलते हैं, आल्सो वेयर एन ऑडिटर हैज बिन कन्विक्टेड हियर ही शैल बी लायबल टू रिफंड द रेमोरेशन रिसीव्ड बाय हिम टू द कंपनी। कमाल की चीज देखो, पेनल्टी तो उसने भरी दी, जो भी पेनल्टी थी वो तो उसने भर दी, लेकिन उसके साथ साथ ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? जो फीस मिली है वो भी रिफंड करनी पड़ेगी, क्योंकि फीस तो अच्छे काम की होती है, गलत कामों की कोई फीस नहीं होती, तो वो कंपनी को वो फीस रिफंड करेगा। इन केस कंपनी स्टेट्यूटरी बॉडी अथॉरिटी या किसी पर्सन को कोई लॉस हो जाता है उसकी इनकरेक्ट और या मिसलीडिंग स्टेटमेंट से, तो ध्यान रखना उसको डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। याद होगा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर जब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था बॉडी कॉर्पोरेट जो होती है वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब कमाल की चीज हम ये पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि ऑडिटर ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट। तो मैंने क्वेश्चन किया था कि बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल क्यों नहीं, तो उसके अंदर मैंने ये बताया था क्योंकि जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और जो ऑडिटर होती है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जरा देखो कि जो फाइन दे दिया वो तो दे दिया प्रीवियस स्लाइड में जो हमने देखा, उसके अलावा रेमोरेशन भी रिफंड कर दिया, और कमाल की चीज जो भी डैमेजेस हो रहे हैं वो भी रिकवर किए जाएंगे यदि उसकी इनकरेक्ट या मिसलीडिंग स्टेटमेंट से, ऑडिटर की इनकरेक्ट या मिसलीडिंग स्टेटमेंट से कंपनी को नुकसान हो जाता है। फिर आता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई एनी स्टेट्यूटरी बॉडी अथॉरिटी ऑफिसर फॉर एंश्योरिंग प्रॉन्ट पेमेंट ऑफ द डैमेजेस एंड सच बॉडी एक्सेट्रा शैल आफ्टर पेमेंट ऑफ द डैमेजेस फाइल ए रिपोर्ट विद द सीजी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग सच डैमेजेस इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। अब बाई चांस हमने पेनल्टी वगैरह लगा दी तो उसको रिकवरी भी तो करना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ के अंदर ही लिख दिया है कि वो जो गवर्नमेंट चाहे तो किसी अथॉरिटी को बैठा सकती है, किसी स्टेटूटरी बॉडी ऑफिसर को बैठा सकती है कि जितने भी डैमेजेस जो ये हुए हैं ये फटाफट पेमेंट करवाओ, तो ये पेमेंट जो होगी वो कराने के बाद अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर देती है, वो ऑफिसर क्या करते हैं कि कंपनी से रिकवर करते हैं, और जिन जिन लोगों को डैमेजेस देने थे उनको वो पे आउट करते हैं, और जब ये काम वो कर देगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया ये काम करने के लिए कि जाओ डैमेजेस रिकवर करो और पेमेंट करो।
अब इसके अंदर ये भी बताया गया कि जब वो ये काम कर लेगा, मतलब डैमेजेस रिकवर करके पे आउट कर देगा, तो इसकी एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा कि जी आपका जो ऑर्डर था मैं कितना फॉलो कर पाया, ये इसको बताना पड़ेगा। लास्ट पर अगर आप फिर ऑडिट ऑफ ए कंपनी है बींग कंडक्टेड बाई ए ऑडिट फर्म, बाई चांस ये इंडिविजुअल नहीं कर रहा है, ऑडिट फर्म कर रही है, तो इट इज़ प्रूव दैट द पार्टनर्स हैव और हैज एक्टेड इन ए फ्रॉडलेंट मैनर, हैव एक्टेड कोल्यूटेड इन एनी फ्रॉड, द लाइबिलिटी विद सिविल और क्रिमिनल फॉर सच एक्ट शैल बी ऑफ द पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द फर्म ज्वाइंटली एंड सेवरल। इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि आपने ऑडिट किया, अब वो ऑडिट जिसने किया वो ऑडिट फर्म थी, और ये प्रूव हो जाता है कि जो गलती हुई है वो पार्टनर से हुई है, पार्टनर ने मिलकर हुई है, जो कि वो जानबूझ के फ्रॉडलेंट तरीके से काम कर रहे थे या आपस में वो मिल गए थे कोई फ्रॉड में, तो इस केस के अंदर जो लाइबिलिटी बनेगी उन पार्टनर्स की मिलके बनेगी और फर्म की भी बनेगी। ये क्या होता है फर्म की लाइबिलिटी होना जॉइंट एंड सेवरल का, बाई चांस एक इंडिविजुअल नहीं पे कर पाया पार्टनर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म थी उन पे फ्रॉड का इल्जाम लगा और वो प्रूव हो गया। अब वो पेमेंट कैसे देंगे, बाई चांस ए बी सी तीन पार्टनर हैं उस फर्म में, तो ए पे नहीं कर पाया तो ए का लॉस बी एंड सी भरेंगे। मान लेते हैं ए और बी नहीं भर पाए, या तो डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गए किसी भी दिन, तो सी को सारा लॉस भरना पड़ेगा। इन केस फर्म के अंदर पैसा पड़ा है तो वो फर्म भी भरेगी। क्रक्स इज दैट कि पार्टनर और पार्टनर्स और फर्म जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब मिलके पे करेंगे, और यदि वो मिलकर पे नहीं कर पा रहे, मतलब इंसॉल्वेंट हो गए, डेथ हो गई, इन केस इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उसमें जो रिमेनिंग लॉस होगा जो बचे हुए लोग होंगे फर्म इंक्लूडिंग पार्टनर, दे हैव टू शेयर द लॉसेस। कहने का मकसद ये है कि पैसा छोड़ा नहीं जाएगा। जॉइंटली सेवरल का मतलब ये होगा कि यदि आप फर्म भी हैं और एक पर्सन की गलती थी तो सबको मिलकर वो भरपाई करनी पड़ेगी उस फर्म को भी करनी। तो इट इज़ ऑल अबाउट पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉसॉइड, ये जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ ये ध्यान रखना कि ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ना फाइनल में ना इंटर में, कभी नहीं। और इवन ये कॉस्ट ऑडिट, क्योंकि हमारे कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स है, तो इस वजह से इसके अंदर ये हमेशा आपके टिप्स पे होना चाहिए जो कॉस्ट ऑडिट है। ज़रूरी नहीं है कि हर बारी इसमें से क्वेश्चन आए, आते ही हैं, नो डाउट आते ही है हर बारी, बट फाइनल में भी अच्छा खासा इस पोर्शन में से पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। कॉस्ट ऑडिट कराने से पहले मैंने कहा था कि आपको मैं चार पांच क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा, तो चार पांच क्वेश्चन लिखने के लिए जो दूंगा वो नेक्स्ट क्लास में मैं दे दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, तो आपको उसको अपने पेजेस पे लिखना है, इन एग्जामिनेशन कंडीशन लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, और जैसी भी तैयारी है उसके बाद लिखना है। तो आज दो दो दिन का टाइम है, तो सैटरडे में मैं आपको सप्लाई करूंगा, और जो मेरे नोट्स हैं चिंता ना करें, ये जितनी भी स्लाइड हैं मैं सारी शेयर करूंगा आपको, सब की सब शेयर करूंगा। दिक्कत एक है, एक दिक्कत मेरे साथ ये है कि मेरे को स्कैनर नहीं मिल पा रहा है अभी, मैं चक्कर में ये था कि एक बारी उसको फाइन करके आपको दे दूँ, फाइन इन द सेंस कि उसमें इनकॉर्पोरेट कर दूँ कि आरटीपी में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया हुआ है, तो मेरे पास स्कैनर अवेलेबल नहीं हो पा रहा किसी रीजन वश, मतलब मैं देख रहा हूँ बुक सेलर को भी बोला लेकिन वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास है नहीं वो, तो आई एम वेटिंग, और लास्ट तो लास्ट क्लास तक तो मुझे देना ही देना है हर हालत में। फिर इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया तो ये जो ऑडिट का है ये मैं ऐसा ही आपको सेंड कर दूंगा, इन केस मेरे को नहीं मिल पाया तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और पांच जो क्वेश्चन है, चार या पांच क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा, और ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर तो नहीं डालूंगा, ये क्लास में लिखवाऊंगा, बिकॉज क्योंकि मैं इतने लोगों की कॉपी नहीं चेक कर पाऊंगा, तो इट्स बेटर कि जो लोग क्लासेस में आते हैं तो उन्हीं का ही पर्सनली मैं देखूंगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, तो इतना आसान नहीं होता, 15 से 20 मिनट एक कॉपी में लगता है, तो इट्स बेटर कि आप जो लोग हैं चार पांच क्वेश्चन जो भी आप लिख के भेजेंगे तो प्लीज वो करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आप भेजें, कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी, आपकी चॉइस है, करना चाहें करें, नहीं करना चाहते नहीं करें। तो आते हैं कॉसॉइड में, कम से कम 30 से 40 मार्क्स का आता है हमेशा,
30 to 40 मार्क्स कवर होते हैं, चाहे इंटर फाइनल मिला के, टोटल मैं कह रहा हूँ टोटल। तो इतना ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है कॉस्ट ऑइड। आइए अब हम बात कर रहे हैं, ये करने से पहले हल्का सा एक कंपैरिजन की हम बात कर लें। एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट और एक होता है कॉस्ट ऑडिट, दोनों में क्या फ़र्क होता है ये दिमाग में बैठा लें। इसमें से पढ़ के नहीं बता रहा, एक जनरल ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ दोनों में फ़र्क क्या होता है। जो फाइनेंशियल ऑडिट है, जब हम उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लेते हैं, तो ध्यान देना, वो इतने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते कि इसका मतलब क्या होता है कि वो अपने आप में डिसीजन नहीं दे पाते। तो चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, या कोई भी हो, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते अच्छी। क्यों नहीं कर पाते? उसका रीजन ये होता है कि वो टोटलिटी में फिगर देता है, डिटेल में कभी फिगर नहीं देता। और जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं वो थोड़े से एग्जैक्ट फिगर नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल कि उसके अंदर जो भी, जैसे नेट प्रॉफिट आ रहा है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका, तो वो क्या एक्चुअल प्रॉफिट है या नोशनल प्रॉफिट है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बाई चांस मैंने एक कंपनी के अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स बनाने के बाद मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, तो उसके अंदर जो नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट आप कुछ भी कहो, वो क्या एक्चुअल आते हैं या नोशनल आते हैं? तो सबने कहा नोशनल आते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे एस्टिमेट यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे उसके अंदर प्रोविज़न बनाते हैं, एस्टिमेट्स बनते हैं, तो इन सब के बेसिस पे वो एक्चुअल कभी नहीं होता है। इवन हम कई चीज़ों का वैल्यूएशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक का, वो एक्चुअल थोड़ी होता है, मार्केट में वो कितने का बिकेगा नहीं बिकेगा, लेकिन हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे हम क्या करते हैं, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू कर लेते हैं कि स्टॉक इतने का होगा, लोअर ऑफ द कॉस्ट और एनआरवी। तो ये सब चीजें हम करते हैं, तो इसलिए वो जो प्रॉफिट होता है वो नोशनल होता है, एक्चुअल नहीं होता। तो डिसीजन मेकिंग हमारी कभी भी प्रॉपर नहीं होती इनकेस यदि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर ही डिसीजन लेने लग जाए। तो फिर क्या करना होता है हमें? तो क्या होता है, जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं और उसके साथ प्रोसेसिंग करके कुछ और निकालते हैं। फॉर एग्जांपल रेशोज निकालेंगे वो डिफरेंट, ट्रेंड की एनालिसिस करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, वर्किंग कैपिटल निकालेंगे उस। तो क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपको फिगरे सप्लाई करता है टोटल, लेकिन वो अपने आप में डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते उसके बेस पे। हमें क्या करना पड़ता है, उसे सप्लीमेंट करना पड़ता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यूज करेंगे करेंगे, इसके अलावा भी हम कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मैंने कुछ बताया कि अपने आप में ये डिसीजन नहीं दे पाती, स्टैंड अलोन जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपने आप में डिसीजन नहीं दे पाती, हमें कुछ ना कुछ उसके साथ सप्लीमेंट करना पड़ता है, कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अब सवाल आता है कॉस्ट, जो रिकॉर्ड हमारे बनाए जाते हैं, जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, उसका क्या सिग्निफिकेंट है? कभी भी देखना है कि जीवन में कोई भी चीज़ होती है, मान लेते हैं हमें किसी कंपनी के अंदर गए और हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सबसे पहले हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा प्राइस बनता है वो कॉस्ट प्लस मार्जिन, मार्जिन मीन्स प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करते हैं तो जाके हमारी प्राइस निकल के आता है। तो किसी भी चीज़ का हम क्या प्राइस कोट करें, और कंपिटिटिव वर्ल्ड में तो ये बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं मैं 10,000 प्रोडक्ट बनाता हूँ, ये होता है बहुत ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब 10,000 प्रोडक्ट के कुछ कॉमन खर्चे हैं और कुछ इंडिविजुअल खर्चे हैं, तो किसी प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट पर यूनिट क्या आई है, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगी तो मैं प्राइस क्या चार्ज करूँगा। क्यों? क्योंकि कंपिटिटिव वर्ल्ड है, जरा सी कॉस्ट इधर की उधर हो गई और मैंने प्राइस गलत कोट कर दिया तो उसका एडवांटेज कोई और ले जाएगा, मीन्स वो ऑर्डर मुझे नहीं मिलेगा, वो किसी और को मिल जाएगा। तो आज के वर्ल्ड में इवन आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी होगी, तो मार्जिन कॉस्टिंग किस लिए करते हैं साहब, बताएंगे जरा मार्जिन कॉस्टिंग क्या क्या है? मार्जिन कॉस्टिंग कोई बताएगा? अपना स्पीकर ऑन करके, टाइप मत करना, स्पीकर ऑन करके बताना व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। आप एक्सपर्ट हैं कॉस्टिंग के सारे बताइए।
क्यों करते हैं मार्जिन कॉस्ट? चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट। नहीं ये तो हुआ वो थ्योरेटिकली, ठीक है, कि एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, तो एडिशन कॉस्ट के बारे में बता दिया, मगर मैं कह रहा हूँ सिग्निफिकेंस क्या, कर ही क्यों रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं मार्जिन कॉस्टिंग, क्या फ़ायदा होगा? कंट्रीब्यूशन निकालते हो आप, कैसे निकालते हो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आपका प्रॉफिट आ जाता है। सवाल यह है कि मार्जिन कॉस्टिंग की ज़रूरत ही क्या है, क्या क्यों कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं क्यों, क्या फ़ायदा होगा? कोई बताएगा? हर्षिता और कौन कौन है, कोई भी, कोई भी, परिधि, शैली, शंकर दाल, जो भी नाम आ रहे हैं मेरे पास, कोई बता सकता है कि मार्जिन कॉस्टिंग क्यों की जाती है? ये तो आपने ये बता दिया वरुण ने कि एडिशन टू द टोटल कॉस्ट, कितना प्रोफाइल कंट्रीब्यूट, एस्टिमेट, ये कोई एक वर्ड में क्या समझो, समझ में आएगा? हर्षिता स्पीकर ऑन करके बताइए क्यों करते हैं, चलो वॉलेंटियर बेस पे कोई बताओ, कोई भी, एनीवन, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब कंट्रीब्यूशन एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट आखिरी में हम क्यों निकालते हैं, मतलब नहीं, मतलब नहीं मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, ये एक थोड़ी एक्सरसाइज होती है कि जैसे 1 घंटे की क्लास हो जाए तो 2 मिनट में बात करता हूँ नहीं, इस। मतलब ऐसे होता है कि वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो एक सिर्फ खाली वेरिएबल कॉस्ट लेस किया होता है ना सेल्स में से, तो वो उसके बाद हम लोग फिक्स कॉस्ट भी लेस करते हैं, तो वो मतलब समझ गया सिर्फ क्यों करते हैं, इतना करने की जरूरत क्या है, आप तो एक्सपर्ट हो कॉस्टिंग के, ग्रुप 1 कर चुके हैं सब लोग। हाँ कोई और, मैंने, मेरे को कोई आंसर नहीं मिला, अगर मार्जिन करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है, मुझे अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला। ये आप ये बता रहे हो कि ऐसे होता है, क्यों कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत ही क्या पड़ रही है, ऐसा पहले क्या हुआ था कि कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल के काम चल जाता था? चलो बताता हूँ, खत्म करूँ। मान लेते हैं कि मैं ऑलरेडी एक अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं एक बिजनेस रन करता हुआ आ रहा हूँ। अब हुआ क्या कि मेरे पास एक ऑर्डर आया, ठीक है, और वो चाइनीज कंपनी का पर्सन था, चाइना से एक पर्सन मेरे पास आया, चिंग चांग चुंग, और वो मेरे पास आके कहते हैं कि ऐसा है कि मुझे आप ये प्रोडक्ट आपका पसंद है, बट ये मुझे बताइए कि लोएस्ट प्राइस क्या दोगे, क्योंकि मेरे चाइना में ऑलरेडी ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैं आपका लेने को तैयार हूँ, मेरा इशू है वहाँ से कुछ पर्सनल, मैं उसको इग्नोर भी कर सकता हूँ कि पैसे के चक्कर में, तो इट्स बेटर कि आप अपना पहले प्राइसिंग दे दो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मिनिमम उस चिंग चांग चुंग से मिनिमम कितना चार्ज करूँ, बाई चांस मिनिमम कितना उससे चार्ज करूँ, तो मुझे क्या जो होता है कि ऑलरेडी जो फिक्स कॉस्ट है, चाहे मैं उसका ऑर्डर लूँ या ना लूँ, फिक्स कॉस्ट तो मेरी आएगी आएगी, फिक्स कॉस्ट तो मेरी उतनी आएगी आएगी, ऑलरेडी मेरा प्रोडक्शन चल रहा है, तो ऑलरेडी जो मेरा सेटअप है वगैरह है, उसकी वजह से मेरी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रही उसके ऑर्डर आने या ना आने से, तो क्या होगा कि मैं कहूंगा कि मिनिमम जो है मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही बच जाए, यदि वेरिएबल कॉस्ट कम से कम मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट से बिलो नहीं बेचूंगा, तो इसमें यह देखा जाता है कि बाई चांस मैं उस चिंग चंग चुंग का ऑर्डर लेता हूं तो मिनिमम क्या प्राइस कोट करूं, तो मिनिमम मैं कितना प्राइस कोट करूंगा, जितनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर जो भी मिल जाएगा वो कंट्रीब्यूशन, मीन्स मुझे कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाएगी, तो इसलिए मार्जिन कॉस्टिंग की जाती है कि इन केस यदि ऑर्डर ऑलरेडी कोई मिल रहा है और हमारा बिजनेस रनिंग में है और फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी मेरी आनी ही आनी है, और उसका ऑर्डर लेने से मेरी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती, तो मैं जो डिसीजन लूंगा वो कंट्रीब्यूशन के बेस पे मिले ले लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस सम कंट्रीब्यूशन मिल जाए, इवन कि मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो लॉस दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है, लेकिन मुझे कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, तो आई विल डू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर। कंट्रीब्यूशन यदि पॉजिटिव है तो मैं उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लूंगा, इवन तो नेट प्रॉफिट मेरा लॉस में है। शायद को समझ में आया हो, आई एम नॉट अवेयर कि मैं कितना समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है। तो ये होता है मार्जिन कॉस्टिंग का यूज। अब ये क्यों मार्जिन कॉस्टिंग की बात आई, मार्जिन कॉस्टिंग की बात इसलिए आई इसमें कि हमें ना कॉस्ट के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कॉस्ट के रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करते हैं साहब? कॉस्ट के रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि हमें प्राइसिंग करनी है, और प्राइसिंग किस लिए करनी है? प्राइसिंग
प्राइसिंग करने के लिए मुझे कॉस्ट की डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। मान लेते हैं एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, 30, 40, 1000 में प्रोडक्ट बनाता हूँ। अब प्रोडक्ट इतने सारे बनाता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि किस चीज़ के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है। तो हम क्या करते हैं कि एग्जैक्ट प्राइस निकालते हैं कि इस प्रोडक्ट में एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ, और उसका बेसिस होते हैं हमारे पास। ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि ये कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबल किसको करना है नहीं करना है, ये तो बाद में बात का टॉपिक है। पहले तो यही समझना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए ही क्यों जा रहे हैं। बनाए इसलिए जा रहे हैं कि डिटेल में मेरे पास मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन सब का डिटेल एनालिसिस मुझे मिल जाए हर प्रोडक्ट की। और इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं उसकी आसानी से प्राइसिंग कर सकता हूँ। और एक और रीज़न होता है, जो मेन रीज़न है मैं उनको ले रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारे रीज़न है। दूसरा रीज़न ये होता है, कई बार गवर्नमेंट जो होती है वो असेंशियल कमोडिटी के प्राइस को कंट्रोल करना चाहती है। जो असेंशियल कमोडिटी है, जैसे पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेडिसिन है, मेडिसिन पे तो चलो बहुत घपला चल रहा है अभी भी, कि मतलब प्राइस होता है बहुत कम और बहुत ओवरली वो चार्ज करते हैं लोग। तो बट स्टिल मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि कौन गलत कर रहा है, सही कर रहा है, जो भी है वो है। बट स्टिल गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती है। तो होता क्या है कि उसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कॉस्ट क्या आ रही है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, अभी 4-5 साल पहले मैं एक सेमिनार में बैठा हुआ था, इंश्योर का ये सेमिनार था। तो वहाँ पर एक पर्सन आए थे, वो बेसिकली किसानों के लिए आंदोलन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सरकार से एमएसपी की डिमांड करते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी तो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता है, उसके चक्कर में लगे होते हैं किसान, आंदोलन करते हैं कि जी हमें एमएसपी दो, एमएसपी दो। अब इसमें सवाल ये आया कि एमएसपी कितना रखा जाए। तो एमएसपी रखने के लिए सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि जो किसान है उसकी कॉस्ट कितनी आती है। एक अंदाजे से कॉस्ट होती है, एक एग्जैक्ट कॉस्ट होती है। तो उसके लिए वो कह रहे थे कि जो हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट है उसे वो डिमांड करते थे कि आप एक काम करिए कि आप हमें कॉस्टिंग करने में हमारी मदद करिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सवाल ये आया कि कॉस्टिंग बार बार घूम फिर के कहाँ पे आ जाती है, कोई भी कंट्रोल करना, यानी गवर्नमेंट को असेंशियल प्राइस कमोडिटी के कंट्रोल करने, तो वो मार्जिन के, अच्छा मार्जिन भी देना होता है, ऐसी बात नहीं है। मान लेते हैं कि एक कंपनी है, वो चैरिटी के लिए तो बैठी नहीं, वो कमाने के लिए बैठी है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों करेगा, यदि मान लो कि उसको बस कॉस्ट ही कॉस्ट रिकवर हो। तो इसलिए गवर्नमेंट देखती है कि कॉस्ट कितनी आ रही है, तो उसने जो मार्जिन ऐड किया वो रीजनेबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो असेंशियल कमोडिटी है, फिर वो उसको कंट्रोल करते हैं, सीलिंग करते हैं प्राइजिंग की। तो ये भी एक रीजन है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड जो होता है गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट रिकॉर्ड। तो आइए, और छोटे मोटे रीजन है ऐसे ले लो कि जैसे मान लेते हैं टैक्स है, रेवेन्यू वो सही से दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे, तो गवर्नमेंट की टैक्स चोरी तो नहीं हो रही, गवर्नमेंट को लॉसेस तो नहीं हो रहे इनके रॉन्ग डेटा से, क्योंकि आप कॉस्ट ज़्यादा दिखा दोगे तो प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ रीजन है, बस इतने रीजन बहुत हैं। अब चलते हैं लॉ पार्ट पे, मतलब जो ऑडिट से रिलेटेड है। एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करते हैं, क्यों करना है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर को ही ओवर रूल कर, कई बार इस सेक्शन को ओवर रूल किया जाता है, इसमें चैप्टर को ही ओवर रूल कर दिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लासेस ऑफ द कंपनी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, डायरेक्ट द पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर, अदर आइटम ऑफ द कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैप्ट। क्या बोला गया इसमें कि कहीं पे इस चैप्टर के अंदर कुछ भी लिखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर इशू करके कुछ कंपनीज को बोल सकती है कि आप अपनी बुक्स में जो ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें कॉस्ट के रिकॉर्ड भी लिखे हैं। आप कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होंगी आप बताएं, उस कॉस्ट रिकॉर्ड में आए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी को कि आप मटेरियल का, लेबर का और जो अदर आइटम ऑफ कॉस्ट हैं उसको आप इंक्लूड करें। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड वगैरह जो भी हैं, चाहे वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, जो भी है, तो उन सबकी डिटेल आप रखें। यदि इसको एक लाइन में कहें कि कॉस्ट शीट बनाएं, आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंट तो आप बनाएंगे बनाएंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट बनाने के लिए जो भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे वो आप मेंटेन करें। मुझे कोई बताएगा ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड क्या होता है? बार बार मैं एक वर्ड बोले जा रहा हूँ।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस गलत। और कोई ओवरहेड क्या होते हैं साहब? आप कॉस्टिंग के एक्सपर्ट हैं सारे के सारे, बताइए फटाफट। अरे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा मैंने, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। वरुण ने लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस शायद, हाँ वरुण ने लिखा है। बेटा वरुण इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जब ऐड करते तो आता है। शंकर दया ने लिखा इनडायरेक्ट एक्चुअल एक्सपेंस, बेटा ये तो बिल्कुल गलत है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट आगे कुछ लिखा ही नहीं तमन्ना ने। तो बेटा चलो छोड़ो, अब मैं क्रक्स में बोलूँ, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो उसको कहा जाता है ओवरहेड। और आज के जो लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कॉस्टिंग, चलो एक क्वेश्चन और पूछो, खत्म करूँ। अब कॉस्टिंग से रिलेटेड ऐसे बातें मैं पूछ रहा हूँ, पूछ क्या पूछूँ बताना। कॉस्टिंग कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की कॉस्टिंग होती है? दो तरीके की होती है, कौन सी होती है बेटा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अरे बाप रे बाप, बेटा ये नहीं होती डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप की। तीन तरीके की कॉस्ट शीट होती है, प्री पोस्ट एक्चुअल। छोड़ो चलो, मैं उसमें नहीं जा रहा है, कॉस्टिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा काम है आपको ऑडिट पढ़ाना, मैं उसमें जाऊँ फटाफट। तो हम बात कर रहे थे उसमें आए फटाफट बेटा। हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे, एप्लीकेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो इसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए बोल सकती है कि आप अपने कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करें। कौन कौन से कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करें? मेटीरियल, लेबर और द टाइम ऑफ कॉस्ट। इट मीन्स कि कॉस्ट शीट बनानी है, और कॉस्ट शीट बनाने के लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपको वो बनाने हैं। इट मीन्स कि फाइनेंशियल बुक्स तो आप बनाएंगे बनाएंगे, साथ में कॉस्ट रिकॉर्ड भी रखेंगे। अगली बात, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ द कंपनी रेगुलेटरी अंडर स्पेशल एक्ट कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टेब्लिश अंडर सच स्पेशल एक्ट। क्या बोला गया साहब? बहुत सही बोला गया। इसमें ये बोला गया कि मान लेते हैं एक कंपनी है जो स्पेशल एक्ट में एस्टेब्लिश हुई है, वो उसके ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है, तो उस कंपनी से, उस कंपनी पे जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट रिकॉर्ड को एप्लीकेबल कराएगी तो एक बार उनसे कंसल्ट करेगी, तो क्या आपको कॉस्ट रिकॉर्ड, हम आपके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस का रूल लगाने वाले हैं, क्या आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो एक कंसल्ट करके लगेगी यदि वो स्पेशल एक्ट में फॉर्म हुई। अब सवाल ये आता है पूरे में कि कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए बोला गया। अब सवाल ये है कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसके अंदर ये क्लासेस ऑफ द कंपनी बताती हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द फॉरन कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैविंग ए ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल, ध्यान देना यहाँ पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ फिर से, ऑल ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ ₹35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल शैल इंक्लूड कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर सच प्रोडक्ट एंड सर्विस इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोला गया इसमें? इसमें बोला गया सबसे पहले ऊपर वाले पैराग्राफ में बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर सकती है कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए। अब कॉस्ट, वो क्लासेस ऑफ कंपनी कौन सी है? वो क्लासेस ऑफ कंपनी वो है जिसमें फॉरेन कंपनी भी शामिल होती है, मतलब कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी दोनों जो कि प्रोडक्शन में एंगेज हैं, गुड्स एंड सर्विस बनाने में लगी हुई हैं, और उनकी ओवरऑल टर्नओवर सभी प्रोडक्ट की मिलाकर 35 करोड़ या 35 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यदि उनकी टर्नओवर 35 करोड़ या 35 करोड़ से ज़्यादा थी तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड तो मेंटेन करने ही करने हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे यदि पिछले सालों में ओवरऑल टर्नओवर जितने भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, मान लेते हैं 10,000 प्रोडक्ट बनाते हो तो सबकी मिलाकर टर्नओवर देखी जाएगी। आगे चलें, एक कंपनी विच इज क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड द स्मॉल एंटरप्राइज अंडर द एस
MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफ दीज प्रोविजन। जनरली जो छोटी कंपनियां होती हैं जैसे माइक्रो हैं या स्मॉल एंटरप्राइज है, इनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या होता है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं वो इतना खर्चा बर्डन नहीं बियर कर पाती, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट हो ही रहा है, कॉस्ट ऑडिट भी होने लग जाए तो खर्चा बढ़ेगा नो डाउट। तो इन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही कवर अप कर लेते हैं मैक्सिमम चीज़ों को। तो पूरे का क्रक्स क्या निकला इस पूरी स्लाइड का, इसका क्रक्स ये निकला कि कुछ कंपनीज हैं जिनकी उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने, वो कुछ कंपनियां कौन सी हैं जिनके टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल की, 35 करोड़ से ज़्यादा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, यदि 35 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है सभी प्रोडक्ट की मिलाकर तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज को छूट मिली हुई है। आगे चले स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द कंपनी। अब इसमें आता है कि रूल्स के अंदर क्या कर रखा है कि हमारे यहाँ कंपनीज को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, जो क्लासिफाइड कंपनी सेक्टर या इंडस्ट्री हैं उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है रेगुलेटेड सेक्टर वाली और एक होती है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर वाली। रेगुलेटेड जो सेक्टर होता है उसके अंदर ये 6 इंडस्ट्री आती हैं, 6 इंडस्ट्रीज कवर होती हैं, जो असेंशियल आइटम होती हैं वो कवर है, बेसिक कह सकते हो आप इन्हें कि बेसिक जो कंपनीज होती हैं यानी किसी भी इकोनॉमी की जो बेसिक्स हैं उसके रिलेटेड है। अब देखिए टेली कम्युनिकेशन सर्विस है वो रेगुलेटेड में आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रांसमिटर डिस्ट्रीब्यूशन वाली है वो भी इसमें आ रही है रेगुलेटेड में, पेट्रोलियम ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स फर्टिलाइजर शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल, ये जितनी चीज़ें हैं ये रेगुलेटेड में आ रही हैं। 6 ही इंडस्ट्री हैं जिनको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। उसके अलावा नॉन रेगुलेटेड के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री आती हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं। मैंने इंडस्ट्री सेक्टर प्रोडक्ट सर्विस आइटम आर कवर्ड अंडर द नॉन रेगुलेटेड सेक्टर नॉर्मली, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मशीनरी मैकेनिकल अप्लाइंस यूज इन डिफेंस स्पेस एटॉमिक एनर्जी सेक्टर टर्बोजेट एरोनॉटिकल सर्विस स्टील रोड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रेलवे ट्रामवे लोकोमोटिव्स, ये सब रक्स। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, ये कोई छोटी लिस्ट नहीं है, बस उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख ली है। यदि आपको देखना हो तो मॉडल में पूरी लिस्ट दे रखी है। तो क्या इसमें बताया गया है कि जितनी भी कंपनीज हैं उसको दो पार्ट में आप बांट दो, एक रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड में 6 इंडस्ट्री आती है। ये क्यों बाइफरकेशन हम पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि रेगुलेटेड की जो कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है उसकी जो लिमिट है वो अलग है, और जो नॉन रेगुलेटेड है उसकी लिमिट अलग है। अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड में। तो होता क्या है कि जो रेगुलेटेड वाले हैं वो टेबल ए से गवर्न होते हैं और जो नॉन रेगुलेटेड है वो टेबल बी से, रेगुलेटेड वाले टेबल ए से नॉन रेगुलेटेड वाले टेबल बी से। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा। याद रखना कि रेगुलेटेड में केवल 6 आती हैं, नॉन रेगुलेटेड में बहुत सारी इंडस्ट्री आती हैं, लेकिन जो लिखी होंगी वही इंडस्ट्री आएंगी। और रेगुलेटेड पे टेबल ए लगती है और नॉन रेगुलेटेड पे टेबल बी लगती है, ये आपको याद रखना। अब आते हैं मेंटेनेंस को कॉस्ट रिकॉर्ड। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉस्ट रिकॉर्ड का मेंटेनेंस और एक होता है कॉस्ट रिकॉर्ड, दोनों अलग अलग बातें हैं। दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, एक कॉस्ट ऑडिट होता है और एक कॉस्ट रिकॉर्ड का मेंटेनेंस होता है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि कुछ लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड, कुछ कंपनीज को बोला जाएगा कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओ, बस आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है ऑडिट नहीं कराना, और कुछ को बोला जाएगा कि कॉस्ट ऑडिट कराना है। तो ऑब्वियस ही बात है ऑडिट तो तभी करोगे ना जब कॉस्ट रिकॉर्ड होंगे, मतलब कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगे जिसको कहा जाएगा कॉस्ट रिकॉर्ड ही बनाओ बस ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, और कुछ को कहा जाएगा कॉस्ट रिकॉर्ड तो आप बनाओगे बनाओगे आप ऑडिट भी कराओगे। तो ये रूल 5 के अंदर बात हो रही है कि कॉस्ट रिकॉर्ड किनको बनाने हैं। तो एवरी कंपनी अंडर दीज रूल्स इंक्लूडिंग ऑल यूनिट्स एंड ब्रांचेस देयर ऑफ शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स फाइनेंशियल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इन फॉर्म CRA1। कोई भी कंपनी है अपनी यूनिट और ब्रांचेस को इंक्लूड करते हुए उसको हर फाइनेंशियल ईयर में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, और उसका एक फॉर्मेट है जो CRA1 में दिया हुआ है, उस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कॉस्ट रिकॉर्ड। द कॉस्ट रिकॉर्ड शैल मेंटेन ऑन रेगुलर बेसिस इन सच मैनर एज टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्जिन फॉर ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस। क्या बोला गया इसमें, इसमें ये बोला गया बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड शेल बी मेंटेन ऑन रेगुलर बेसिस, लगातार आपको बनाने,
लगातार का मतलब या तो मंथली बेसिस पे बना लो, या 3 मंथली, या 6 मंथली, या एनुअल बेसिस पे, यानी मंथली भी बना सकते हो और ईयरली भी बना सकते हो, डिपेंड कि आपको क्या कन्वीनियंट है। मगर कॉस्ट रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए और रेगुलर तरीके से बनाओ, मतलब एंट्रियां होती रहें बार बार, जैसे हम एंट्रियां पास करते रहते हैं ना अकाउंट्स में, तो कोशिश करो कि कॉस्ट रिकॉर्ड के भी डेटा रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रहे। अच्छा, डाटा कैसे मेंटेन करना है? डाटा इस तरीके से मेंटेन करना है कि आप कम से कम कॉस्ट पर यूनिट निकाल सको। किस चीज़ की? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्जिन। मार्जिन आप देखो कॉस्ट शीट आ रही है पूरी, तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। मतलब कि कोई आपसे यदि पूछे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितनी है, तो आप निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ सेल और मार्जिन पर यूनिट कितना है, एक एक प्रोडक्ट बनाने का खर्चा कितना है, एक प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, यदि कोई पूछे तो आप उसका जवाब दे सके। इस तरीके से मेंटेन करना है, मीन्स डिटेल में मेंटेन करने और कॉस्ट शीट बनानी है, ये इसका मतलब है। तो क्रक्स क्या निकला? रेगुलर बेसिस पे बनाने हैं और पर यूनिट निकाल सको ऐसे बनाने। थर्ड पॉइंट के अंदर, कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन इन सच मैनर सो एज टू एनेबल द कंपनी टू एक्सरसाइज एज फार एज पॉसिबल कंट्रोल ओवर वेरियस ऑपरेशन एंड कॉस्ट टू अचीव द ऑप्टिमम इकोनॉमीज इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड दिस रिकॉर्ड रिकॉर्ड शैल आल्सो प्रोवाइड नेसेसरी डेटा विच इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर दिस रूल। क्या बोला बेटा इसमें? ये बोला गया है जो कॉस्ट रिकॉर्ड है मेंटेन जो आप करेंगे, वो इस तरीके से मेंटेन करना कि आप उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब डिटेल अवेलेबल हो। और देखो कंट्रोल कब होता है, एक एक्चुअल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है फिर कंट्रोल किया जाता है। तो रिकॉर्ड इस तरीके से मेंटेन करना कि आपके पास एक्चुअल भी अवेलेबल हो डेटा, स्टैंडर्ड भी अवेलेबल हो और आप डिफरेंस निकाल सको, यानी इतनी डिटेल में जरूर हो वो। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपके रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज होंगे और जो भी नेसेसरी डेटा है पास पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट शीट बनाने के लिए, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो पूरे में क्रक्स क्या निकला? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रूल 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर कंपनी को सभी ब्रांचेस का मिलकर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मतलब कंपनी अपने भी बनाएगी और अपनी यूनिट वगैरह सबके बनाएगी, CRA 1 में बनाएगी उस फॉर्मेट में। पर यूनिट कॉस्ट निकाल सको इस तरीके से बनाना, लगातार बनाते रहना, चाहे ईयरली बनाओ चाहे क्वार्टरली बनाओ, जैसे बनाओ, लेकिन हो सके तो इसको रेगुलर बेसिस पे बनाना। आखिरी में बोला क्या कि इस तरीके से मेंटेन करो कि आप कंट्रोल कर सको। फिर आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अभी तक हमने कॉस्ट रिकॉर्ड की बात करी थी, कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने थे? जिसकी टर्नओवर 35 करोड़ या 35 करोड़ से ज्यादा है सभी प्रोडक्ट की मिलाकर, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब सवाल आ रहा है तो कॉस्ट ऑडिट कौन कराएगा? कॉस्ट ऑडिट कौन कराएगा? इफ सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो, इट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ द क्लास ऑफ द कंपनी विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 एंड विच हैव ए नेट वर्थ ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और द टर्नओवर ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल कंडक्ट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। देखो कमाल की चीज़ ये है, जब भी हम सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ से कुछ क्लियर नहीं होता। कुछ क्लियर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जनरल प्रोविजन होता है। अब इसमें क्या लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर सकती है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए क्लासेस ऑफ कंपनीज को, जो सॉरी ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड कर सकती है, मतलब ऑडिट करवा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि आपको इन कंपनीज का ऑडिट कराना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। किनको कराना पड़ेगा? कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी। वो क्लासेस ऑफ कंपनी कौन सी हैं? जिसकी नेटवर्थ या टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाती है। ये अगली स्लाइड में पता चलेगा वो लिमिट क्या है। आइए अब जरा इसको ध्यान से देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है। रूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो डिटेल में बताता है। ऊपर तो पिछली स्लाइड में तो लॉ बता दिया, अब यदि फिर प्रीवियस स्लाइड देखोगे तो उसमें लॉ बताया है, इसकी डिटेल नहीं दी। तो सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 में ये बताया गया कि लॉ ये है। इसी लॉ की डिटेल किसमें? रूल 4 में। तो रूल 4 क्या कहता है? कंपनीज कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स का, वो ये कहता है कि टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जरा ध्यान से देखें ऑल इस प्रोडक्ट, जरा ध्यान से देखें। ब्लू वाला जो है, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये वाला जो एरिया है, ये जो है ऑल, यहाँ पर ऑल के ऊपर स्ट्रेस है और यहाँ पे इंडिविजुअल, तो
तो जरा इस पे फोकस करना, जरा ध्यान से देखना। पहले दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। देखो हमारे जो कॉस्ट ऑडिट है, हमने कहा था रेगुलेटेड, रेगुलेटेड वाले कौन से, जो छह इंडस्ट्रियां थी, छह के अलावा कौन से थे, वो नॉन रेगुलेटेड थे। तो आप पहले मैं लेता हूँ वो रेगुलेटेड में, तो मान लेते हैं वो फार्मा कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्योंकि रेगुलेटेड में आती थी। बाई चांस उस फार्मास्यूटिकल कंपनी की जितने भी वो मेडिसिन बनाती है उसकी सबकी टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है। एंड यहाँ पे एंड वर्ड है, वैसे मैं लिखा नहीं है यहाँ पे, मगर ये एंड है, ये भी होना चाहिए प्लस ये भी होना चाहिए और नहीं है। रेगुलेटेड सेक्टर में 50 करोड़ से ज़्यादा सभी प्रोडक्ट की मिला के टर्नओवर ज़्यादा चला जाती है। एंड एंड 25 करोड़ से जिस प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हुआ है उसकी टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है। शायद ये क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं समझाता हूँ। हमने कहा कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट की भी देखनी है। होता क्या है, जो कॉस्ट ऑडिट होता है वो कंपनी पे नहीं लगता, वो प्रोडक्ट पे लगता है। दिमाग में ये बात बैठा लेना कि जब भी कॉस्ट ऑडिट का ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी तो वो किसी पर्सन पे नहीं करेगी, किसी कंपनी पे नहीं करेगी, वो प्रोडक्ट के ऊपर इशू होगा। तो मान लेते हैं एक कंपनी है जो कि कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे बनाती है जो कॉस्ट ऑडिट में कवर नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो कि कॉस्ट ऑडिट में कवर होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं रेगुलेटेड सेक्टर है तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मान लेते हैं जो कंपनी वो कॉस्ट ऑडिट में वो कवर ही नहीं होते। तो पहले तो हम देखेंगे कंपनी के सभी प्रोडक्ट, चाहे वो कवर होते हैं या नहीं, उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब कंपनी के टोटल टर्नओवर सब प्रोडक्टों से मिलाकर 50 करोड़ से ज़्यादा हो, और जिस प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हुआ है उसकी टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा हो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये टर्नओवर कब की देखनी है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, पिछले साल की। यानी पिछले साल देखो क्या 50 करोड़ से ज़्यादा सभी प्रोडक्ट की टर्नओवर थी, बोलो यस। तो यस बोला तो फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या जिस प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है उसकी इंडिविजुअल जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज़्यादा है। यदि आंसर यस है तो कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा, दोनों का आंसर यस है तो एप्लीकेबल होगा। यदि दोनों का आंसर नो है तो क्या कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा, नो। इन केस एक का आंसर नो है, मतलब ऑल और इंडिविजुअल वाले में से एक का आंसर नो है, एक का यस है, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। ओवरऑल मेरी जो टर्नओवर है 50 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन मेरी जिस प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट ऑडिट है एप्लीकेबल हुआ है वो 25 करोड़ से कम है, तो शोभित कहता है नो, वरुण कहता है नो, यस नो। तो क्या क्रक्स निकला कि दोनों को देखना है, 50 करोड़ भी ओवरऑल प्रोडक्ट की जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट की 25 करोड़ से ज्यादा। रिपीट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं, ये बात समझ में आ गई। इतनी क्या समझ में आ गई कि बोथ कंडीशन, ऑल प्रोडक्ट वाली और इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाली जो कंडीशन है इट शुड बी साइमोटेनियसली सेटिस्फाइड। मतलब ये 50 करोड़ वाली और 25 करोड़ दोनों सेटिस्फाइड एक साथ होनी चाहिए। अब आते हैं नॉन रेगुलेटेड पे बेटा। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर जो हमने पढ़े थे उसमें देखो 100 करोड़ से ज़्यादा और 35 करोड़ से ज़्यादा है। ज़रा मुझे ये बताएं, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है इसमें, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड के अंदर नॉन रेगुलेटेड में टर्नओवर ज़्यादा है और रेगुलेटेड में 50 करोड़ टर्नओवर, जो जो टर्नओवर है वो कम है। मतलब वहाँ है 50 और 25, 50 25, 100 और 35। कमाल की चीज़ देखो, टर्नओवर ज़्यादा होने से क्या वो कॉस्ट ऑडिट में कवर हो पाएगा, नहीं। यदि टर्नओवर यदि इतनी ज़्यादा रखोगे वो उतना ही कवर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेगुलेटेड सेक्टर पे गवर्नमेंट कंट्रोल चाहती है। इसका क्रक्स क्या निकला कि गवर्नमेंट सेक्टर को टर्नओवर कम क्यों रखी गई, चाहे ऑल वाली हो चाहे इंडिविजुअल हो, इसलिए कम रखी गई, वो चाहते हैं कि रेगुलेटेड का कॉस्ट ऑडिट हो जाए। नॉन रेगुलेटेड को थोड़ी छूट दी गई है कि यदि वो छोटी कंपनी है तो उसको जरूरत नहीं है, बड़ी कंपनी है तो उसको कराने की जरूरत है। तो क्रक्स क्या निकला, क्रक्स ये निकला, एक होता है कॉस्ट रिकॉर्ड का मेंटेनेंस और एक होता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट रिकॉर्ड का मेंटेनेंस किसके लिए कंपलसरी है, जिसके 35 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है ओवरऑल, मतलब जो कंपनी की टर्नओवर है 35 करोड़ से ज़्यादा है। और कॉस्ट ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाना ही है, कॉस्ट ऑडिट भी होगा यदि वो रेगुलेटेड वाली है तो 50 और 25 की लिमिट है, ऑल प्रोडक्ट और इंडिविजुअल, और नॉन रेगुलेटेड है तो 100 और 35। बस ये क्रक्स है।
अब थोड़ी सी छूट मिली हुई है कॉस्ट ऑडिट की, तो कॉस्ट ऑडिट नॉट अप्लाई टू द कंपनी विच इज कवर्ड बाय रूल थ्री. इसमें पहली छूट मिली हुई है हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरन एक्सचेंज एक्सीड 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू. वो कहता है ऐसी कंपनी जिसको जो एक्सपोर्ट करती है और वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आती है और उसका जो फॉरेन एक्सचेंज जो वो लेके आती है वो 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू है. यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ये सारी की सारी जो कंपनी है, मान लेते हैं एक कंपनी है जो इसमें एग्जेम्पशन लिमिट में आती है, तो वो सारी की सारी क्या विदेश में ही बेचती है या भारत में भी कुछ प्रोडक्ट बेच सकती है? डोमेस्टिक सेल कर सकते हैं ये लोग? यस, वरुण ने बिल्कुल ठीक बोला, 25% तक डोमेस्टिक सेल हो सकती है. बाई चांस एक कंपनी ऐसी है जो 25% तक डोमेस्टिक करती है और 75% या उससे ज़्यादा वो फॉरेन में एक्सपोर्ट करती है, तो उसको छूट दे दी गई. छूट क्यों दे दी गई? वो इसलिए दे दी गई कि भारत को फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, तो हम चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल ना रखा जाए, जिससे कि ये अपना फ्रीली काम कर पाए, इनके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा ना रखा जाए, तो इसलिए इनको छूट दे दी गई. क्यों? ये फॉरेन एक्सचेंज लेके ला रहे हैं. ऐसी जेड के अंदर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, तो उनको छूट मिली हुई. और लास्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. आप कॉस्टिंग के एक्सपर्ट हैं, बताइए कैप्टिव कंजम्पशन क्या होती है? हाँ जी, कोई बताता नहीं है? वॉट इज कैप्टिव कंजम्पशन, किसी को पता है? बाई चांस ना भी पता हुआ करो तो दो तीन डाल दे करो नो, एटलीस्ट मुझे आइडिया लग जाए कि पता नहीं है. कोई इशू नहीं है, पता नहीं है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं. बताइए. शोभित कहता है नो नो नो, किसी को नहीं पता. हे राम, ये कैसे हो सकता है? कैप्टिव कंजम्पशन होती है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है. जैसे मान लेते हैं कि बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, और क्या है कि उसकी बिजली की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उन्होंने अपना ही फायर वो पावर स्टेशन बना दिया, अपना ही पावर स्टेशन बना दिया, खुद की बिजली खुद के लिए बेचते नहीं है वो किसी को, बस अपनी कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे कई बार तुमने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वहीं पर जो इलेक्ट्रिसिटी का एक सब स्टेशन बना होता है, वहीं पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और जनरेट करके खुद ही यूज़ करते हैं, बेचते नहीं है. बाकी कंपनियां तो सेल करती हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके. तो बाय चांस कोई ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और सेल नहीं करती लेकिन अपने लिए इस्तेमाल करती है, तो ऐसियों को भी छूट दे दी गई है. क्यों? क्योंकि जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, लेकिन यदि आप कैप्टिव कंजम्पशन करते हो, खुद के लिए कंज्यूम करते हो, अपनी कंपनी के लिए यूज़ करते हो, अपनी बिजली बनाते हो लेकिन खुद ही यूज़ करते हो, बेचते आप उसको सेल आउट नहीं करते, तो ऐसी कंपनियों को भी एग्जेम्प्ट किया गया है कॉस्ट ऑडिट के लिए. अब आते हैं जनरल क्वेश्चन पे जो ऑडिट से रिलेटेड है. हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए कॉस्ट ऑडिटर, कौन अपॉइंट हो सकता है साहब? कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑन सच रेमुनरेशन डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. इसमें कहता है कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस में, उसको कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे. कितने रेमोरेशन पे करेंगे? जैसा मेंबर्स डिसाइड करेंगे उतने पे. नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड. मान लेते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक पर्सन मिस्टर ए हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, वो एक कंपनी में कंपनी का ऑडिटर बने, स्टेटूटरी ऑडिटर बन गए, तो क्या उन कॉस्ट अकाउंटेंट साहब को कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर भी बना दिया जाए? क्या कहते हैं, क्या कहते हो आप, बना दिया जाए? नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस पर्सन को एज ए ऑडिटर बना दिया गया, स्टेटूटरी ऑडिटर बना दिया गया, उसको अलावा ही दूसरा पर्सन कॉस्ट ऑडिट करेगा. थर्ड पॉइंट के अंदर कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट कॉस्ट ऑडिट कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई विद कैश. ये कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑडिटर होगा वो कॉस्ट ऑडिट करते समय कैश को फॉलो करेगा. जैसे एक अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है अपना ऑडिट करते समय. कंपनी सेक्रेटरी है,
उनके अपने स्टैंडर्ड होते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं उनके कैस होते हैं। कैस मीन्स, कैस के फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको कैस कहते हैं, सी एस। तो सी एस मीन्स द स्टैंडर्ड्स एज आर इशूड बाय द आई सी एम आई कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सी डब्ल्यू एक्ट 1949 विद द अप्रूवल ऑफ सी जी। मतलब ये सेम है जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इशू करता है, लेकिन इशू तो गवर्नमेंट करती है ना, किसके कंसल्टेशन पे? एनएफआरए के। यहाँ पर क्या है, आईसीएमआई इशू करेगी कैश को, लेकिन कंसल्ट किससे करेगी, अप्रूवल किसका लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कुछ इस तरीके की बात है। कॉस्ट ऑडिट की हम बात करें नेक्स्ट। कॉस्ट ऑडिट की नेचर क्या है? इन एडिशन टू द ऑडिट अंडर सेक्शन 143, क्या कहना चाह रहा है इसमें? ये कहता है कि कॉस्ट ऑडिट है, मान लेते हैं एक कंपनी है, उसको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है। उस कंपनी ने बोला, ये केस स्टडी एग्जाम में आई हुई है इसलिए मैं बता रहा हूँ, उस कंपनी को बोला, उस कंपनी ने बोला कि जी हमारा तो फाइनेंशियल ऑडिट हो चुका है, वो तो बड़े अच्छे से हुआ है, तो हमें कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो क्या है ये उसका कंटेंशन करेक्ट है कंपनी का? बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल ऑडिट हुआ है वो अपनी जगह है, कॉस्ट ऑडिट अपनी जगह है। आप उसका प्लिया नहीं दे सकते कि नहीं जी हमने तो फाइनेंशियल ऑडिट करा ली है, कॉस्ट ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो ऐसा चलेगा नहीं। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन राइट ड्यूटीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिटर As applicable to the company auditor shall apply to the cost auditor and shall be duty of a company to give all assistance and facility to the cost auditor। वो कहता है कि जैसे company auditor की qualification है, disqualification है, right duty है, वो सारे के सारे cost auditor को भी लगते हैं। यानी जो qualification का criteria एक financial auditor का selection का criteria है, same उसकी qualification, disqualification, right duty cost auditor में mutandis mutandis apply होती हैं। Provided that the report on the audit of cost records shall be submitted by the cost accountant in practice to the board of the company। Simple सी बात है, appoint किसने किया था? Board of director ने। तो जिसने appoint किया होता है उसी को audit report submit की जाती है। तो cost audit होने के बाद जो cost accountant in practice है अपनी report board को submit कर देगा, ये इसमें लिखा हुआ है। Next, furnishing report and explanation to the CG, section 148 subsection 6। A company shall within 30 days from the date of receipt of the copy of the cost audit report prepare, furnish to the central government with the cost audit report along with the full information explanation on every reservation and qualification। बड़ा सिंपल है। इसमें कंपनी की ड्यूटी बताई गई कि कंपनी क्या करेगी। जो कंपनी है shall within 30 days from the date of receipt of the copy of the cost audit report prepare, furnish to the central with the cost audit report along with the full information explanation on every reservation and qualification। तो कहता है कि कंपनी 30 दिन के अंदर जिस दिन उसको एक कॉपी मिलती है, जैसे कॉस्ट ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया तो उसकी एक कॉपी देगा वो कंपनी के अंदर, तो जैसे ही वो कंपनी में देगा उसके रिसीव होते ही तो वो सारी एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेशन जो भी रिजर्वेशन दिए हैं, चलो उसको शॉर्ट में बता दूँ, ऑडिटर है, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन दी थी, उसने अपनी रिपोर्ट कंपनी को सबमिट कर दी, कंपनी की ड्यूटी बनती है कि 30 दिन के अंदर उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है, जो रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल देनी है कि जी ये क्वालिफिकेशन किस टाइप की हुई है या नहीं हुई है, वो कंपनी अपनी डिटेल सबमिट करेगी 30 दिन के अंदर अंदर। किसको करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सीधी बात है, क्वालिफिकेशन का आंसर देना है, और कौन देगा? कंपनी देगी। किसको देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। आगे, seeking information from the company, वो कहता है कि if after considering the cost audit report and informal explanation furnished by the company, the central government is of opinion that the further information explanation is necessary, it may call it and company shall furnish the same within such time as may be prescribed by the government। कितनी बढ़िया बात बताई, कितनी सिंपल सी बात है। क्या बताई कि if after मान लेते हैं cost audit report हमने submit कर दी, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कॉस्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी और सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भी सबमिट कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये दोनों देखने के बाद, रिपोर्ट देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने,
कमेंट देखे, एक्सप्लेनेशन देखी कंपनी की, वो देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दो, मुझे कुछ ये समझाओ, एक्सप्लेनेशन दो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड कर सकती है कंपनी को। वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी पड़ेगी, कितने दिन में सप्लाई करनी पड़ेगी, कैसे सप्लाई करनी पड़ेगी, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी। तो पूरा क्रक्स क्या निकला पूरे में, कि कॉस्ट ऑडिट की नेचर क्या है, ये एडिशन है। क्वालिफिकेशन जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टेटूटरी ऑडिट करते समय होती है, कॉस्ट अकाउंटेंट की भी होती है। जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो बोर्ड को सबमिट होगी, फिर इसमें जो जैसे सबमिट हो जाएगी, क्या कहते हैं, जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है सबमिट होने के बाद कंपनी 30 दिन के अंदर वो उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन देगी, जो भी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन है। और लास्ट में क्या बताया गया कि इफ सीजी इज ऑफ ओपिनियन कि मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर दी, सब कमेंट सबमिट कर दिए, लेकिन वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है उसको कि नहीं नहीं ये डिटेल लाके और दो, तो जी वो आपको उतने पीरियड में सप्लाई करनी पड़ेगी जितने पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ। तो इट इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑडिट। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यदि आपने कॉस्ट ऑडिट से कंप्लाई नहीं किया तो क्या होगा जी। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी एंड एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 147(1). कॉस्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 147(2)(2)(4)। ये क्या है बेसिकली, जैसे एक स्टेटूटरी ऑर्डर पे हमने एक पेनल्टियां पढ़ी थी, कंपनी पे क्या पेनल्टी है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे क्या पेनल्टी है, ऑडिटर पे क्या पेनल्टी है, तो सेम टू सेम अप्लाई होती है कॉस्ट ऑडिटर को। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, यहाँ पे हर एक जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें हर एक में से क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो आता है प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा साहब, कॉस्ट ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, ये तो आपको पता है कि बोर्ड अपॉइंट करता है। यदि वहां पे एडिट कमेटी होगी, ऑडिट कमेटी है, तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, अपॉइंट करेगा बोर्ड। कॉस्ट ऑडिटर प्रपोज टू बी अपॉइंटेड इज रिक्वायर्ड टू हैव ए टू गिव ए लेटर ऑफ कंसेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो कहता है कि जब वो कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो वो अपनी कंसेंट देगा, यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर असाइनमेंट। फिर नेक्स्ट, द कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड फाइल ए नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द सीजी विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग और विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन फॉर्म CRA2 अलॉन्ग विद द स्पेसिफाइड फीस। जरा इसमें एक बात बोलूंगा और बाद में कंपेरिजन कराऊंगा। ध्यान देना कि यहाँ पे 180 डेज जो लिखा हुआ है वो कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, ये याद रखना। अभी तो नॉर्मल लग रही होगी बात, लेकिन थोड़ी देर में जब मैं दूसरे टॉपिक से इसको कंपेरिजन कराऊंगा तो वहाँ पे ये अप्रिशिएट आप कर पाएंगे कि क्यों बोला गया था। जनरली एग्जाम में क्या होता है कि मान लो तो ये क्वेश्चन आता है तो आप कमेंसमेंट लिख देते हो, और कई बार वो दूसरा क्वेश्चन आता है वहाँ क्लोजर लिख देते हो, तो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया जाता है तो गलत हो जाता है आंसर जो होता है। तो इस बात पे स्ट्रेस करना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो लॉ की ब्यूटी है कि इसमें साफ साफ बताया गया है कि कहाँ से आपको 180 डेज काउंट करने हैं। तो कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर, सबसे पहले देखोगे ऑडिट कमेटी है या नहीं है कंपनी में, यदि है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, बोर्ड अपॉइंट करेगा, यदि ऑडिट कमेटी है ही नहीं तो वो काम सीधे करेगा बोर्ड। फिर उसके बाद क्या बताया था कि कॉस्ट ऑडिटर को कहा गया कि लेटर ऑफ कंसेंट ले ले, लेटर ऑफ कंसेंट, और द कॉस्ट ऑडिटर प्रपोज टू बी अपॉइंटेड इज रिक्वायर्ड टू गिव ए लेटर ऑफ कंसेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कहा जाता है कि वो अपना कंसर्न लेटर कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया एज ए कॉस्ट ऑडिटर आपका असाइनमेंट, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करेगा। फिर थर्ड पॉइंट के अंदर कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर, ध्यान देना कंपनी इन्फॉर्म करेगी कॉस्ट ऑडिटर को जी आपका अपॉइंटमेंट हो गया, और वो एक नोटिस फाइल करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जी हमने एक कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिया है, कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में बोर्ड मीटिंग के, या कब करेंगे, या तो 30 दिन बोर्ड मीटिंग में कर दो, नहीं तो 180 दिन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो अर्लियर हो।
आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करोगे, CRA 2 के अंदर करोगे और फीस लगाओगे। तो एक ही लाइन में कहें कि कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो इस बात को कि कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दे। वो रूल क्या है वो नीचे लिखे हुए हैं, 30 दिन बोर्ड मीटिंग या 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब मान लेते हैं कैजुअल वैकेंसी आ गई। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या बताया था मैंने, जो जब हम वो फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने कैजुअल वैकेंसी का मीनिंग क्या बताया था आपको। कैजुअल वैकेंसी ये बताया था कि ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो हो चुका है, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, बाद में कुछ ऐसा होता है जिससे वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर वेदर ड्यू टू रेजिग्नेशन डेथ और रिमूवल शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड विद इन 30 डेज ऑफ द अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी। यानी जब भी कैजुअल वैकेंसी कॉस्ट ऑडिटर की होगी तो उसको कौन फिलअप करेगा, बोर्ड ही फिलअप करेगा 30 डेज के अंदर। आज वैकेंसी हुई है तो 30 डेज का टाइम ले लो, उसमें उसका अपॉइंटमेंट कर लो। एंड द कंपनी शैल इन्फॉर्म द CGN फॉर्म CRA 2 विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। और ये कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दे CRA 2 के अंदर कि जी हमारा जो ऑडिटर है वो अपॉइंट हो चुका है। तो जनरली ये प्रोविजन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए कॉस्ट ऑडिटर, ये तो आपने पढ़ी लिया है थोड़ा सा, लेकिन अलग से भी क्वेश्चन है। ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट है, एक पर्सन है वो कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, तीनों है। तो क्या अपॉइंटमेंट हो पाएगा? नहीं जी, खाली कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे। और कॉस्ट अकाउंटेंट में भी कौन से होंगे, जो प्रैक्टिस में होगा, जिसने क्या ले रखा होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट तो वो होना ही चाहिए, लेकिन उसके पास COP भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए, और वो होल टाइम प्रैक्टिस में होना चाहिए, होल टाइम प्रैक्टिस में भी होना चाहिए। इट इट मीन्स कि जो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है वो पार्ट टाइम और होल टाइम दोनों मिलते हैं। पार्ट टाइम में क्या होता है, वो कोई भी स्टेटटरी जो फंक्शन है वो डिस्चार्ज नहीं कर सकता। इट मीन्स कि लॉ के अंदर कोई चीज लिखी है और उसको साइन करना पड़ रहा है, तो वो साइन करने का उसको राइट नहीं होता, जो होल टाइम नहीं लेके बैठा प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट। जो पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम वाले को नहीं होता, होल टाइम वाले को अधिकार होता है कि वो साइन कर सकता है। तो यही कुछ है ऑल अबाउट की कॉस्ट अकाउंटेंट किसको कौन है, ये डिफाइन किया गया 228 के अंदर, और उसी को कॉस्ट ऑडिटर बना सकते हैं। और कॉस्ट जो हमारे इंश्योर, जरा ध्यान देना थोड़ा सा, ये 228 जो है, 2 सबसेक्शन 28, ये कंपनीज एक्ट का है। और जो ये कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन है, यानी दो डेफिनेशन लिखी हुई है, एक कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है और एक लिखी हुई है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 के अंदर, यानी इंश्योर के एक्ट के अंदर ये दे रखी है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि COP लेके बैठा हुआ है और होल टाइम प्रैक्टिस के अंदर है। और कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब ना केवल इंडिविजुअल कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी होता है और LLP ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी होता है। चलिए, ये एक और प्रोविजन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, कंफ्यूजन तो नहीं कहेंगे, कंफ्यूजन को रिमूव किया हुआ है। क्या जैसे स्टेटटरी ऑडिटर में हमने कहा था कि रोटेट होना चाहिए 5 साल में, 5 साल में, 5 साल में इंडिविजुअल का और फर्म का 10 साल में रोटेट होना चाहिए फॉर 5 ईयर, मतलब कूलिंग पीरियड आना चाहिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्या कॉस्ट ऑडिटर को भी कूलिंग पीरियड आना चाहिए? यस, सेक्शन 148 कहता है, 148 कहता है कि उसमें डिटेल दी हुई है कि 139 के अंदर अपॉइंटमेंट होगा। ये सब आप पढ़ लोगे, मतलब ये कहानियां लिखी हुई है, मैं क्रक्स बताता हूँ इसमें क्या है कि इस रोटेशन एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर, पहले दिमाग में बैठा लो नॉट एप्लीकेबल। तुमने देखा होगा जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं वैसे तो कॉस्ट ऑडिट करते हुए भी, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है कि ये नहीं होता, रोटेशन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट ऑडिटर को। तो आप उल्टा पहले पढ़िए, जो आखिर लास्ट पैराग्राफ है पहले पढ़ेंगे। द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी रोटेशन इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, यानी कॉस्ट ऑडिटर का नहीं होता अपॉइंटमेंट, रोटेशन नहीं होता, एंड द सेम इज नॉट एप्लीकेबल टू ए कॉस्ट ऑडिटर, और ये कॉस्ट ऑडिटर को एप्लीकेबल नहीं होता। इट मे हावर बी नोटेड दैट दो देर इज नो स्टेटरी प्रोविजन फॉर द रोटेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, इंडिविजुअल कंपनीज मे डू सो एज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी एज इन द प्रैक्टिस विद PSU। इसमें क्या हुआ, इसमें ये बताया गया कि हालांकि लॉ में कहीं नहीं लिखा आपको रोटेशन नहीं करना, रोटेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल इट इज रिकमेंडेटरी कि आप उसको रोटेट करें जैसे PSU में होता है। ये तो हुआ मेन आंसर।
मगर क्यों नहीं होता, उसका आंसर है ऊपर, जरा पढ़िए 148 which clearly state that no person appointed under section 139 shall be appointed for conducting the audit of cost record of the company. 148 कहता है कि जो cost जो statutory audit करेगा financial accounts का वो cost audit नहीं करेगा. 148 ये भी कहता है कि qualification, disqualification, right, duty and obligation जो financial auditor को लगते हैं वही cost auditor को लगते हैं. तो law ने बराबर कर दिया यहाँ पर. ये शुरू में बता रहे हैं कि शुरू में ये बताया जा रहा है जो शुरू के पैराग्राफ हैं कि कुछ प्रोविजन है जहां सेम सेम पावर दी जा रही है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे क्लैशेस हैं, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता. दूसरा ये बताया कि क्वालिफिकेशन राइट ड्यूटी तो वही रहेंगी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है. द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 141 एंड द पावर एंड ड्यूटी प्रोवाइडेड इन 143. 143 subsection 40 specifically state that the provision of section 1 shall mutandis apply to cost auditor. ये फिर से वो repetition है जो first paragraph है. वो कहता है जो eligibility qualification और disqualification है ये जैसे एक financial auditor को applicable होती है, same to same applicable होती है cost auditor को. तो 139 applicable to the appointment of the auditor financial and rule 6 of companies audit and the report rules 2040 deals with the provision of rotation of auditor and these provision applicable only to appointment of auditor जो कि financial वाला है. जो last paragraph में कहा गया कि जो cost auditor का rotation नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, उसका answer लिखा हुआ ये 139 में. 139 applicable किसको होता है? financial auditor को. तो जब 139 applicable होता है financial auditor को, और जो rule 6 किसको applicable होते हैं rotation के, वो भी फाइनेंशियल ऑडिटर को होते हैं, तो कॉस्ट ऑडिटर की तो बात ही नहीं आई गई. 139 में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑडिटर को एप्लीकेबल होंगे, सॉरी फाइनेंशियल ऑडिटर को एप्लीकेबल होंगे, और रूल 6 के अंदर लिखा हुआ है ये भी फाइनेंशियल ऑडिटर को एप्लीकेबल होंगे. तो जब कॉस्ट ऑडिटर का नाम ही नहीं लिया तो हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते. तो इसलिए रोटेशन का प्रिंसिपल लगता है फाइनेंशियल ऑडिटर को, कॉस्ट ऑडिटर को नहीं लगता. क्यों? क्योंकि जो 139 जिसके अंदर रोटेशन की बात की गई है वो तो फाइनेंशियल ऑडिटर को लगता है, और रूल 6 जो जिसमें बात लिखी है रोटेशन की वो लगता है फाइनेंशियल ऑडिटर को. तो लिखा ही नहीं है कहीं कॉस्ट ऑडिटर को अप्लाई करो, तो आप कैसे लगा सकते हो. तो ये है. फिर आता है कॉस्ट ऑडिट अथॉरिटी फॉर फिक्सेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट. अब कॉमन सेंस यूज करना है इसमें. यदि ऑडिट कमेटी है तो कौन रिकमेंड करेगा? ऑडिट कमेटी करेगी, फिर बोर्ड को भेज देंगे, बोर्ड के बाद शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे. तो इस तरीके का होता है. द बोर्ड शैल अपॉइंट द इंडिविजुअल हु शैल बी कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस और द फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस एज ए कॉस्ट ऑडिटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी. यानी ऑडिट कमेटी बताएगी कि किस व्यक्ति को आपको अपॉइंट करना है, और यही कमेटी उसका रेम्यूनरेशन रिकमेंड कर देगी कि ये इतना पैसा इनको दे देना चाहिए. अप्रूवल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन करने का अधिकार ये जो ऑडिट कमेटी है उसके पास होता है. नेक्स्ट, द रेम्यूनरेशन रिकमेंडेड बाय द ऑडिट कमेटी शैल बी कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड. अब जो ये रिकमेंड करेंगे, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, वो बोर्ड क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अप्रूव कर देंगे, और फाइनली जो फाइनल अप्रूवल है, जो रेटिफिकेशन है, वो करेंगे शेयर होल्डर. तो क्रक्स क्या निकला, सबसे ऊपर कौन? ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी अपने रिकमेंडेशन बोर्ड को देगी, बोर्ड उनकी बातों को ऑब्जर्व करेगा और उसको अप्रूव करेगा. अप्रूव करने के बाद वो शेयर होल्डर के पास जाएगी जहां से फाइनल अप्रूवल मिलेगा. बाय चांस ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ही कंसिडर कर लेगा और बाद में शेयर होल्डर से उसको रेटिफाई करा लेंगे. रेटिफाई मतलब जो चीज इरेगुलर हो गई उसको रेगुलर कराना. फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अदर कंपनी. नेक्स्ट पार्ट पे, अदर कंपनीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी. बाई चांस उसको ऑडिट कमेटी की जरूरत ही नहीं है तो सीधी सी बात है, बोर्ड कंसिडर करके शेयर होल्डर से रिकमेंड करवा लेगा. आते हैं कॉस्ट ऑडिट के ऊपर. इसके अब एक दो ही पॉइंट रहे हैं. क्या फ्रॉड के प्रोविजन कॉस्ट ऑडिटर को भी लगते हैं? बाई चांस फ्रॉड का डिटेक्शन हो जाता है तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो जो फ्रॉड के सेक्शन में हमने पढ़ा था 1 करोड़ से कम वाले या 1 करोड़ से ज्यादा वाले,
1 करोड़ से अबव वाले या 1 करोड़ से लेस वाले जो भी वो प्रोविजन थे वो सारे मोटेंडिस मोटेंडिस अप्लाई होते हैं कॉस्ट ऑडिटर को, यानी इन केस ऑडिटर को ऑडिट करते समय, कॉस्ट ऑडिटर को ऑडिट करते समय कोई फ्रॉड मिल जाता है तो ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि जैसे उसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या बोर्ड को इन्फॉर्म करना है तो डिपेंड अपॉन कि कितना फ्रॉड हुआ है, तो ये सेम अप्लाई होते हैं कॉस्ट ऑडिटर को। नेक्स्ट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की बात करें, एज ए रूल 6 कॉस्ट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद हिज एंड इट्स रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन और सजेशन इफ एनी इन द फॉर्म ऑफ CRA 3 टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी विदिन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे वर्ड आ गया क्लोजर, पहले क्या था पिछली वाली स्लाइडों में क्या था, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऐसा था। तो ध्यान रखना जो ये रिपोर्ट की बातें हैं वो कुछ और बात थी, वो अपॉइंटमेंट की बात थी। तो एज एज पर रूल 6 जो कॉस्ट ऑडिटर है वो ऑडिट रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा, अपनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन देगा, सजेशन देगा, किसमें देगा CRA 3 में, बोर्ड को देगा, बोर्ड जो होगा बोर्ड को देना है कितने दिन में देना है 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 180 दिन के बाद, यानी ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट था 180 दिन में होना चाहिए और रिपोर्ट जो सबमिट करनी है वो 180 दिन में करनी है ऑडिट होने के बाद, ये ध्यान रखना। बस क्लोजर और कमेंसमेंट को भूल मत जाना, मिक्स मत कर देना, उधर इधर का उधर और उधर का इधर, तो एग्जाम में 0 मिलेगी वरना, तो हम अवेयर रहे कि हमें 0 ना मिले। आगे अब आते हैं फॉर्म ऑफ फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रूल 6 कहता है एवरी कंपनी टू होम कॉस्ट ऑडिटर सबमिट्स हिज और इट्स रिपोर्ट शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश द सेंट्रल गवर्नमेंट विद सच रिपोर्ट अलॉन्ग विद द फुल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन इन फॉर्म CRA 4 अलॉन्ग विद द फीस प्रिस्क्राइब। वो होता है कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जब उसने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी तो वो अपने हर बात का जो रिजर्वेशन है क्वालिफिकेशन उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह सबमिट कर देगा फॉर्म CRA 3 में, ये आपको ध्यान रखना है फॉर्म CRA 3 के अंदर, फॉर्म CRA 4 के अंदर अलॉन्ग विद फीस। तो ये एक्चुअली में क्या रूल में डिटेल दे रखी है, ऑलरेडी जो हमने पढ़ाया है उसकी डिटेल ही आ रही है इसके अंदर, ये ध्यान रखना जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है उसकी डिटेल है। डिटेल कैसे कि हमने कहा था ना कि जो अपनी रिपोर्ट फर्निश करेगा रिजर्वेशन की डिटेल देगा तो किस में देगा, ये बस इसमें बताया गया CRA 4 में देगा और फीस लगेगी। और लास्ट है कि कॉस्ट ऑडिट जो रिपोर्ट है वो XBRL फॉर्मेट में दी जाएगी। XBRL फॉर्मेट क्या होता है, एक इसके अंदर टेस्टोनॉमी वगैरह होती है, होता क्या है इसके बारे में हल्का सा बता ही दूँ। XBRL फॉर्मेट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि कोई जब भी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी जैसे ऑडिट हो गया तो उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है गवर्नमेंट को, तो उसके अंदर एक फॉर्मेट के अंदर करी जाएगी और वो जो फॉर्मेट होगा उसको वो फॉलो करना है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि 4 कंपनियां अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही हैं, हो सकता है वो एक ही टर्मिनोलॉजी में, जैसे मान लो वो कहें करंट असेट में हम ये लेंगे हम ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे और ये नहीं लेंगे, मतलब जैसे जैसे कैश लेंगे नहीं लेंगे, डेटर लेंगे नहीं लेंगे करंट असेट में, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपनी टेस्टोनॉमी फिक्स कर दी है। टेस्टोनॉमी मीन्स कि इसमें क्या आइटम इंक्लूड होगी, कौन सी इंक्लूड नहीं होगी, कौन सी एक्सक्लूड होगी। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी लोग हैं उनकी रिपोर्टिंग सेम जाएगी, उनकी रिपोर्टिंग सेम जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, हल्का सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि इसमें क्यों होता है ऐसा, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया XBRL लाने का फैसला। होता क्या था कि गवर्नमेंट चाहती है कि मैनुअली काम ना हो, मान लेते हैं कि स्क्रूटनी करनी है जो भी रिपोर्टें सबमिट करी हैं उनमें मिस्टेकें पड़नी है, तो मैनुअली तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जॉब होता है, तो क्यों ना सॉफ्टवेयर बना दिए जाए। अब सॉफ्टवेयर की एक लिमिटेशन होती है कि उसके अंदर जो भी चीज़ें जाए यदि उनका एक क्लियर मीनिंग नहीं होगा कि इसमें ये आइटम आएगी ये नहीं आएगी, तो वो मिस्टेक कभी नहीं पकड़ पाएगा वो सॉफ्टवेयर। तो गवर्नमेंट ने एक XBRL फॉर्मेट इशू किया, XBRL का फॉर्मेट बना दिया और उसके अंदर ये बताया गया
कि आप जो भी आइटम सबमिट करोगे वो इसी फॉर्मेट में करोगे और इसमें इस आइटम का ये मीनिंग है, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट XBRL। आगे चलें तो कॉस्ट ऑडिट खत्म हो गया, अब आया सेक्रेटरी ऑडिट, इसको हम कर लेते हैं। मेरे ख्याल अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, अभी काफी टाइम है तो इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। सेक्रेटरी ऑडिट नाम से कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? फाइनेंशियल ऑडिटर करते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, कॉस्ट ऑडिट करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट साहब, तो सेक्रेटरी ऑडिट कौन करेगा? कंपनी कंपनी सेक्रेटरी जी। तो अब ये कंपनी सेक्रेटरी जी करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा उसके बारे में पढ़ लें थोड़ा सा। कोई भी लिस्टेड कंपनी होगी और कुछ क्लासेस ऑफ द कंपनीज हैं, एनेक्स विद बोर्ड रिपोर्ट मेड इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 143 ए सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसमें बोला गया कि लिस्टेड कंपनी और कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी है तो उनके लिए कहा गया है कि वो उन कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ सेक्रेटरी ऑडिट की रिपोर्ट भी लगाएं। और वो सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाएगा? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बनाएगा। सवाल ये आता है कि कौन सी ऐसी अदर क्लासेस ऑफ द कंपनीज हैं जिनको सेक्रेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। सबसे पहले तो आ गया आपका, ये रूल 9 के अंदर डिफाइन किया गया है, सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी है। ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 50 करोड़ से ज़्यादा है या 50 करोड़ है, पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है या उस 250 करोड़ है, या कोई भी कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन या बोरिंग किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो इनको सेक्रेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनको ऑडिट कराना पड़ेगा, सेक्रेटरी ऑडिट भी कराना पड़ेगा। फिर आता है सेक्रेटरी ऑडिट की बातें कुछ और। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल असिस्टेंस एंड द फैसिलिटी टू द कंपनी सेक्रेटरी इन द प्रैक्टिस फॉर ऑडिटिंग द सेक्रेटरियल एंड रिलेटेड रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर रिपोर्ट मेक इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 134 सबसेक्शन 3 शैल एक्सप्लेन इन फुल द क्वालिफाइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिमार्क्स मेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन रिपोर्ट। ऑलरेडी उसी तरीके की चीजें हैं जैसे हमने पहले पढ़ी हुई है, तो क्या इसमें लिखा हुआ, कोई खास चीज नहीं लिखी हुई। कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जब भी कोई कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट करने आ रहा होगा तो आप उसको असिस्टेंट दें, वो फैसिलिटी दें जिससे वो ऑडिट कर पाए। दूसरा, बोर्ड जो है वो उसको एक्सप्लेन करेगा बाई चांस कंपनी सेक्रेटरी ने कोई क्वालिफिकेशन दी है, रिजर्वेशन दी है, ऑब्जर्वेशन दिया है, रिमार्क दिया है, तो कुछ भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है उसको एक्सप्लेन करें फुल में, अच्छी तरह बताएं कि जी ये ऐसा हुआ है ये नहीं हुआ। फिर लास्ट इसमें पार्ट आता है कि कोई भी कंपनी है या ऑफिसर ऑफ द कंपनी है या कंपनी जो ऑडिटर है, जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, वो इस सेक्शन को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, कंपनी हो चाहे ऑफिसर हो चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, जो भी गलती में होगा उसके ऊपर फाइन होगा 1,00,000 से 5,00,000 तक का। और जो सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट है रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्मेट फॉर्म MR3 प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट। वो कहता है कि MR3 जो है फॉर्म उसके अंदर आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, मीन्स इसका एक फॉर्मेट है MR3 और उसी के अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। रूल 8 के अंदर क्या लिखा हो, ये तो हो गई पेनल्टी वगैरह की बातें, और रूल 8 के अंदर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑडिटर बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। यदि आप सेक्रेटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं तो बोर्ड का रेजोल्यूशन जरूरी है, और ये एडवाइजेबल है कि सेक्रेटरी ऑडिट गेट ए लेटर ऑफ एंगेजमेंट फ्रॉम द कंपनी। और CS को क्या करना चाहिए, वो लेटर ऑफ एंगेजमेंट ले ले, जैसे आपको पता है कि इसके फायदे या नुकसान, फायदे क्या हैं लेटर ऑफ एंगेजमेंट के, तो वो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी ऑडिटर शुड एक्सेप्ट द लेटर ऑफ एंगेजमेंट, और वो आखिरी में एक्सेप्ट कर ले। तो क्रक्स क्या निकला पूरा, तो क्रक्स ये निकला कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको CS से एक ऑडिट कराना पड़ता है, और जिसको सेक्रेटरी ऑडिट कहते हैं, और सेक्रेटरी ऑडिटर को आप सब फैसिलिटी देंगे जिससे वो ऑडिट कर पाए, और इन केस आप कॉन्ट्रोवेंट करते हो चाहे वो कंपनी या कंपनी का कोई ऑफिसर या कंपनी सेक्रेटरी खुद यदि गड़बड़ करते हैं तो उनके लिए पेनल्टी के क्लॉज हैं। इस फॉर्मेट में रिपोर्ट जानी है वो MR3 है, और कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, और एक सजेशन दिया गया कि आप लेटर ऑफ एंगेजमेंट ले लो।
तो मेरे ख्याल है कारों से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी टाइम 2-3 मिनट हैं तो इसमें नहीं। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से क्लास ऑफ हो गई है। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, एनी टाइप क्वेश्चन, कुछ भी पूछना हो पूछे। स्पीकर ऑन भी कर सकते हैं, अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। 4-5 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, एक काम करता हूँ वरुण को मैं सप्लाई कर दूंगा वो क्वेश्चन। और वरुण, ये जो भी लोग हैं चैट बॉक्स में, इनकेस यदि वो जानते हैं ग्रुप के अंदर तो, या चलो मैं क्लास में नोट करा दूंगा, तो कन्फ्यूजन होगा वरना। कोई क्वेश्चन है आपका? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।